हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे यार हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 आपका रासायनिक बलगतिकी, चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी, इसका आज ये वन शॉट वीडियो है जिसपे हम लोग इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो पे क्लियर करने वाले, ठीक है। जिन छात्रों की यार तैयारी एकदम जीरो है, उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अब ये जो वन शॉट चैप्टर्स की सीरीज हम स्टार्ट किए हुए, इनको आप देख लो तो आपकी मस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियोस पे हमने सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर विलियन, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है विलियन वाला, उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो पे वन शॉट पे क्लियर कराया। उसके बाद हमने आपको उनके न्यूमेरिकल्स जितने थे, न्यूमेरिकल्स का भी एक वन शॉट दिया जिसपे सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए। उसके बाद सेकेंड वीडियो आया सेकेंड चैप्टर का वन शॉट वाला, उस पर हमने उसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक वीडियो पे कराया, फिर उसके भी न्यूमेरिकल का एक वन शॉट दिया, उसको भी कराया। तो आज का ये वीडियो है चैप्टर नंबर 3 का रासायनिक बलगतिकी का। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग पूरा चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी एकदम मस्त तरीके से देखने वाले। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे वन शॉट पे हम लोग क्लियर करने वाले, ठीक है। तो ये जान लो यार, जिन छात्रों ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, उनके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, उनको पूरा वीडियो देखना है और जितने टॉपिक हम यहाँ पे समझाने वाले एक एक टॉपिक को तैयार करना, ठीक है। क्योंकि यार अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब आकर मस्त तरीके से तैयारी नहीं करोगे तो अब आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर केमिस्ट्री में मस्त नंबर लाना चाहते हो तो ये जो चैप्टर 3 का रासायनिक बलगतिकी वाला है वन शॉट वीडियो, ठीक है, इसको आपको मस्त तरीके से देखना है और आपको मस्त तरीके से एक एक प्रश्नों को तैयार करना। और अगर आप लोग इसके पहले के जो चैप्टर विलयन और विद्युत रासायन के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग जाके क्या कर सकते हो, उन पिछले चैप्टर को आप देख सकते हो, ठीक है। 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाओ और इसके पहले वाले चैप्टर को जाके पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि अब लाइनदार से पढ़ते आओगे ना तो मस्त तरीके से तैयारी हो जाएगी और आप केमिस्ट्री में मस्त नंबर भी लाओगे, ठीक है। तो शुरू किया जाए चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लेना, एकदम मस्त तरीके से एक एक टॉपिक को समझते चलना। देखो जितने टॉपिक इस वीडियो पे होंगे वो सभी महत्वपूर्ण है, पिछले वर्षों के पेपर से लिए गए हैं, तो एक एक टॉपिक को तैयार जरूर से जरूर आपको करना, ये जान लो, ठीक है। भले ही अब तक कुछ नहीं पढ़ा, बस अब ये पढ़ना है बस, ठीक है, जितना अब आपको पढ़ाने वाले, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 आपका रासायनिक बलगतिकी, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी वन शॉट वीडियो पे। तो भैया आप मस्त तरीके से हम शुरू करते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके रासायनिक बलगतिकी के हैं और पिछले वर्षों में पूछे गए, ठीक है। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं, ये जान लो, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से एक एक प्रश्न को तैयार करना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपका डाल लेते हैं चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो होता है वो इस चैप्टर के मतलब पूरी कहानी बता देता है, ये जान लो, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है यहीं पर से शुरू भी होता है अभिक्रिया से, ठीक है। प्रश्न है अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपका चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, ये अभिक्रिया है इसमें, ठीक है, मतलब जो अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग क्या होता है और अभिक्रिया किस कोटि की होती है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, यही सारी चीज़ें आपको इस रासायनिक बलगतिकी पे पढ़ना है। तो सबसे पहला प्रश्न यही है आपका इस चैप्टर से पूछा जाता है जो कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, कौन कौन से कारक हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करें अभिक्रिया का वेग किसे कहा जाता है। तो देखो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है कि अभिक्रिया का वेग किसे कहा जाता है। तो देखो एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखो अभी परिभाषा करना समझ में आ रही हो तो ध्यान समझना। मान लो अगर आपके पास कोई भी अभिक्रिया हो, अगर आपके पास कोई अभिक्रिया होती है, ध्यान समझना, कोई भी अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में सबसे पहले आपके पास होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और उससे बनता क्या है? उससे बनता है कोई प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं क्या? उत्पाद। जिसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। ध्यान से समझना,
कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें सबसे पहले रिएक्टेंट होता है जिसे अभिकारक बोलते हैं, और उससे बनता प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे कोई अभिक्रिया है जैसे N2 प्लस H2 के मिलने से बनता है NH3। ठीक है, अगर इस अभिक्रिया को बैलेंस करें तो यहाँ पे आपका 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 का गुणा हो जाएगा, अभिक्रिया आपकी बैलेंस भी हो जाएगी। तो अगर बात करें, देखो ये जो अभिक्रिया है N2 प्लस 3H2 के मिलने से क्या बना, 2NH3 बना, अर्थात अमोनिया बना। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें ये जो आपको दिख रहा है N2 और H2 इन्हें बोला जाता है अभिकारक रिएक्टेंट, और ये जो NH3 बना इसे बोला जाता है उत्पाद प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया होती है वो अभिकारक होता है उसमें, जैसे N2 और H2 इस पे है अभिकारक होता है जो कि क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद, और इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। यही आपकी क्या कहलाती है, रिएक्शन कहलाती है। अब बात है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग का ये मतलब, वेग का क्या मतलब होता है, वेग का मतलब होता है स्पीड या चाल बोल सकते हो। ठीक है, तो अभिक्रिया किस स्पीड से चल रही है ये कौन बताता है, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अभिक्रिया का वेग का कार्य ही है, वेग का मतलब ही है स्पीड, अर्थात अभिक्रिया की क्या स्पीड है। ठीक है, तो वो कौन बताता है, अभिक्रिया का वेग। तो परिभाषा ये कही गई कि एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब यहां पे आपने देखा अभिकारक ये होता है, उत्पाद ये होता है, जैसे यहां पे उदाहरण के लिए अभिकारक ये उत्पाद, किसी भी अभिक्रिया पे अभिकारक और उत्पाद होते हैं। तो अगर एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। एकांक समय में होने वाले अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये चीज आपको सबसे पहले यहां पे लिख लेना है, रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट या उत्पाद। ठीक है, रिएक्टेंट से मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है, आप देखो जैसे बात करें यहां पे सूत्र की कि अभिक्रिया के वेग का सूत्र क्या होता है, तो यहां से आप लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर सूत्र क्या होता है। देखो अगर आप लोग अभिकारक की सांद्रता के पदों में लिखते हो तो यहां से लिख सकते हो, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और अपॉन में क्या हो जाएगा, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, यह सूत्र होता है परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है, अभिक्रिया के वेग का, अभिक्रिया का वेग बराबर सूत्र होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। और परिभाषा होती है एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर परिभाषा पूछी जाए इस टाइप से परिभाषा लिखनी है, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इस टाइप से लिख देना है। ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। अब अगर आप अभिक्रिया के वेग को लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर, अगर मान लो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता जो हो एक्स हो तो परिवर्तन को दर्शाया जाता है डी से, तो डी एक्स अपॉन समय मान लो टी हो तो डी एक्स अपॉन डी टी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ जो डी है डी फॉर होता है डेरिवेशन मतलब अवकलन। ठीक है, परिवर्तन को यहाँ पे अवकलन से दर्शाया जा रहा है, डेरिवेशन मैथ वालों को पता होगा डी फॉर डेरिवेशन मतलब अवकलन। ठीक है, तो यहां पर से परिवर्तन को दर्शाने के लिए यहां पे डी का प्रयोग किया गया डेरिवेशन का। तो यहां पे अभिकारक के उत्पाद के सांद्रता मान लो डीएक्स है और समय में परिवर्तन जो है वो डीटी है, तब अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, डीएक्स अपॉन में डीटी। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है आपका, डीएक्स अपॉन में डीटी हो जाता है, यही है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, ये क्या चीज है आपके पास, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, यही आपका क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग। चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते थे कि यदि आपका dx मतलब अगर अभिकारक की सांद्रता dx हो तथा समय dt हो तब अभिक्रिया का वेग, इस टाइप से आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि माना अगर dt समय में, माना dt समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में dx परिवर्तन होता है, उत्पाद की सांद्रता में क्या होता है भैया, dx परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है, dx परिवर्तन होता है, dx परिवर्तन होता है,
तब यहाँ से अभिक्रिया का वेग का सूत्र होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर डीएक्स अपॉन में डीटी। ठीक है, मतलब कि जब माना डीटी समय में, अगर डीटी समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में डीएक्स परिवर्तन हो तब अभिक्रिया का वेग बराबर होता है डीएक्स अपॉन डीटी। मतलब अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर परिभाषा पूछी जाए कभी आपसे, अगर भी ये क्वेश्चन आया, देखो पिछले वर्षों में तो दो तीन बार पूछा जा चुका है, लेकिन अगर अब की बार आता है तो आपको सिंपल यही लिखना है, सबसे पहले परिभाषा के एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इस टाइप से सबसे पहले अभिक्रिया दर्शा देनी है। अभिक्रिया कोई भी होती है, सबसे पहले रिएक्टेंट अभिकारक होता है जो कि प्रोडक्ट उत्पाद बनाता है, तब यहां से सूत्र हो जाता है अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब इसके बाद जब इतना लिख जाए, इसके बाद लिखना माना डीटी समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में डीएक्स परिवर्तन होता है तब अभिक्रिया का वेग डीएक्स अपॉन डीटी हो जाता है। तो यह आपका सिंपल क्या है अभी, अभिक्रिया का वेग की परिभाषा और उसका सूत्र। अब यह कहा गया कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, क्योंकि अब जगह बची नहीं। अब हम यहां पे आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आपसे परिभाषा पूछी जाएगी और वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसको जरा स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम यहां पे कारक आपको बता देते हैं। आप बात करते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, मतलब अभिक्रिया का वेग किन किन चीज़ों से प्रभावित हो जाता है, ठीक है, किससे बढ़ता है किससे घटता है, ये चीज़। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला कारक है ताप का प्रभाव, मतलब ताप के प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पे। ठीक है, अगर आप लोग ताप की वृद्धि करते हो, अगर आप टेम्परेचर ताप को बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, ताप का प्रभाव अभिक्रिया के वेग पे, तो अगर ताप की वृद्धि से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो ये पहला कारक है, अगर आप लोग अभिक्रिया के वेग में, अगर अभिक्रिया में आप ताप बढ़ा देते हो तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, फिर है दाब का प्रभाव, अगर आप लोग किसी भी अभिक्रिया पे दाब में वृद्धि कर देते हो, दाब बढ़ा देते हो, तो आपका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है दूसरा प्रभाव, मतलब दूसरा कारक दाब। ठीक है, यहां पे प्रभाव ना लिख के डायरेक्ट ऐसे ताप दाब भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो ऐसे डायरेक्ट ताप दाब ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देना, ताप दाब उत्प्रेरक। ठीक है, ये मतलब ताप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, पहला ताप है, अगर आप लोग ताप की वृद्धि करते हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा कारक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला दाब, अगर आप लोग अभिक्रिया का दाब बढ़ा देते हो तब भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर अगला कारक है उत्प्रेरक, अगर आप लोग क्या करते हो, देखो उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है उत्प्रेरक का। ठीक है, जैसे आपकी जो अभी अभिक्रिया बताई थी N2+H2 वाली, जिससे क्या बना था, 2NH3, इसमें कौन सा उत्प्रेरक होता है, Fe, आयरन होता है इसमें उत्प्रेरक। ठीक है, इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है आयरन आपका, तो ये क्या होता है, उत्प्रेरक यहाँ पे उपस्थित रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से अभिक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे उत्प्रेरक भी आपका अभिक्रिया के वेग पे प्रभाव डालता है, तो इसकी उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग कम या अधिक हो जाता है। अगर आप लोग उत्प्रेरक की उपस्थिति करते हो तो उससे अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया की जो स्पीड होती है, वो कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और ये किस पर निर्भर करता है, यह जो उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि मतलब स्पीड कम होगी, वेग कम होगा या ज्यादा होगा, यह किस पर निर्भर करेगा, उत्प्रेरक की प्रकृति पे, कि कैसा उत्प्रेरक है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अगला है इसका आपका कारक सांद्रण, अगर आप लोग अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हो तो उससे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, अगर आप लोग अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देते हो तो उससे भी क्या होता है, अभिक्रिया का वेग आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो सिंपल आपसे पूछा जाए अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ, 3 या 4 नंबर पे प्रश्न अगर आए, 3 नंबर पे वैसे आएगा। ठीक है, 3 नंबर पे अगर आता है तो सिंपल पहले परिभाषा लिख देना, फिर सूत्र लिख देना, इसके बाद आपको एक कारक हेडिंग डाल के ताप का प्रभाव, या ताप, पहला कारक ताप है तो ताप की वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, दूसरा दाब, दाब की वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग कम या अधिक हो जाता है, यह उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपका अभिक्रिया का वेग कम होगा या ज्यादा होगा। चौथा है सांद्रण, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट था, तो सबसे पहले अभिक्रिया के वेग की परिभाषा, फिर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले
वाले कारक कौन कौन से। तो ये प्रश्न कंप्लीट होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो जितने प्रश्न बताएंगे वो सभी पिछले वर्षों में पूछे गए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को यार आपको तैयार करना है, ठीक है? तो इसको नोट कर लो। आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं भैया अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बात करते हैं कौन सा टॉपिक हमारे पास, देख सकते हो, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। दो नंबर पे परिभाषा हर साल पूछी जाती है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, अभिक्रिया का रेट कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं, ठीक है? तो मस्त तरीके से बात करते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो देखो परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है रेट कांस्टेंट की, वेग स्थिरांक की। हमने लिखा यदि किसी क्षण अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग ही उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है और इसे के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? यदि किसी क्षण अभिकारक की सांद्रता जो अभिकारक रिएक्टेंट होता है उसकी सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग ही उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो देखो इसको आपको इस टाइप से सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, उसके बाद आपको देखो एक चीज यहां पे और समझ लेना है। यहां से लिखना चूंकि अभिक्रिया का वेग, ये चीज आपको याद रखना है जो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये चीज याद रखना। चूंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है ना भैया, चूंकि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। एक ये संबंध आप लोग याद कर लो कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, के समानुपाती, ठीक है? समानुपाती होता है, ठीक है? जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है? मतलब कि अगर बात करें तो यहां से अभिक्रिया का वेग जो हो जाएगा, अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग वो किसके समानुपाती हो जाएगा, वो किसके समानुपाती हो जाएगा, सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के, ठीक है? चूंकि अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती सांद्रता। अभिक्रिया के वेग को आपको हमने बताया था dx / dt से लिखते हैं, और सांद्रता जो होती है, सांद्रता को अगर आप लोग c मान लो, c के इक्वल मान लो, तो यहां से हो जाएगा dx / dt समानुपाती हो जाएगा c के। dx / dt वेग है, c है सांद्रता। आप जब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटता है तब यहां से आता है dx / dt बराबर, ठीक है? ये समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है, और एक यहां पे नीतांक आता है, कांस्टेंट आता है जो कि होता है k, और यहां पे आता है c। तो यहां पर से देखो dx / dt समानुपाती के चिन्ह हटा, बराबर के चिन्ह लगा, एक नीतांक आया k, और यहां पे c पहले से था तो c आ गया। तो ये आपका सूत्र निकल के आता है dx / dt बराबर k into c, जहां k को बोलते हैं वेग स्थिरांक, जहां के क्या है, वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट है, जहां के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, ठीक है? जहां के को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सी परिभाषा आपको इस टाइप से लिखनी है और ये सूत्र दे देना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा था यहाँ पे, सबसे पहले हमने यही लिखा कि यदि किसी क्षण अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग ही उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अगर आप इस परिभाषा को रटना ना चाहो तो यहां से समझ सकते हो। देखो ये सांद्रता सी है ना, यहाँ पे लिख दो यदि सांद्रता सी बराबर वन, एकांक कहा गया ना, तो लिख दो यदि सांद्रता सी बराबर वन अर्थात एकांक, ठीक है? एकांक का मतलब भी वन होता है, ठीक है? एकांक का मतलब क्या है, वन ही तो है। तो यदि सांद्रता c बराबर वन हो जाए तो यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, dx / dt बराबर k पहले से और c की जगह क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो k into 1 हो जाएगा, मतलब dx / dt किसके इक्वल आ जाएगा, सीधा सीधा k के, क्योंकि k में 1 का गुणा करोगे वैसे भी k आना है, तो dx / dt किसके बराबर आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। dx / dt वेग है और k क्या है, वेग स्थिरांक। तो यदि अभिकारक की सांद्रता c का मान 1 हो या एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग dx / dt ही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k कहलाता है। यही तो परिभाषा लिखी हुई है कि यदि किसी क्षण अभिकारक की सांद्रता c का मान 1 हो या एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग dx / dt अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k के बराबर होता है। देख सकते हो, पढ़ लो परिभाषा, ठीक है? अभिक्रिया का वेग ही उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है, या अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है, ठीक है? तो इस टाइप से आपको सिंपल लिख देना जब भी पेपर पे आए। सबसे पहले परिभाषा, यदि किसी क्षण अभिकारक की सांद्रता एकांक हो, c का मान 1 हो तो अभिक्रिया का वेग dx / dt ही अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k कहलाता है। यहां पर से आप लिख सकते हो चूंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिक्रिया
कारक की सांद्रता सी के समानुपाती होता है तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती सांद्रता, तो आपका डीएक्स अपॉन डीटी समानुपाती सी के हो जाएगा और डीएक्स अपॉन डीटी बराबर के इंटू सी हो जाएगा। यदि यहाँ पर से अभिकारक की सांद्रता सी का मान 1 रख दो तो डीएक्स अपॉन डीटी बराबर के आ जाता है। ये सूत्र जो आया, मतलब ये जो परिभाषा आई है वो यहीं से आई है कि यदि सांद्रता सी का मान 1 हो, यदि अभिकारक की सांद्रता सी एकांक हो तो अभिक्रिया का वेग डीएक्स अपॉन डीटी ही आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको परिभाषा लिख देनी है और इस टाइप से पूरा लिख देना, आपके 2 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की। ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट है, आप शुरू करते हैं हम लोग अगला टॉपिक। जितने प्रश्न यार सभी महत्वपूर्ण है, तो इसको सब लोग नोट कर लो। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हो आप लोग। अगला टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण द्वारा इसको समझाइए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, इसकी परिभाषा को लिखिए और उदाहरण द्वारा इसको समझाइए। ठीक है, तो मस्त तरीके से अभिक्रिया की आणविकता और कोटि को आपको बताना है परिभाषा और इसको उदाहरण से बताना है। ठीक है, और एक चीज़ जान लो, इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल की बात अगर आप लोग सोच रहे होगे तो न्यूमेरिकल का अलग से आपका 1 शॉर्ट वीडियो आएगा, क्योंकि इस वीडियो पे हम लोग केवल इसके महत्वपूर्ण टॉपिक और उसके जितने प्रश्न हैं उनको ही आपका कवर करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो यही बन जाएगा। फिर अगला 1 घंटे का वीडियो हम आपको देंगे जिसमें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा देंगे, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे कराया। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, वहां से जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो शुरू करें ये वाला प्रश्न, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं और अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो पहला समझते हैं हम लोग आणविकता के बारे में, और ये जान लेना इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो पहली परिभाषा है आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु होते हैं उनकी संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया उसमें अभिकारक अणु जीत रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद अभी बताया था ना, तो अभिकारक अणु जो है उन अभिकारक अणुओं की संख्या को बोलते हैं क्या, उन अभिकारक अणुओं की संख्या को बोलते हैं आणविकता। जैसे उदाहरण से समझाना है तो उदाहरण ले लो, यहां पे उदाहरण जैसे आपके पास है, यहां पे मान लो CH3COOH, यहां से मान लो हम ले ले CH3COOH, ठीक है, प्लस NaOH ले ले, तो यहां से क्या बनता है CH3COOHNA, CH3COOHNA प्लस H2O, ये एक अभिक्रिया आपके पास होती है। ठीक है, मान लो ये आपके पास एक अभिक्रिया होती है CH3COOH प्लस NaOH मिलके बना CH3COOHNA प्लस H2O। ठीक है, हाँ, तो चलो ये वाली मान लो अभिक्रिया है आपके पास। तो अगर बात करें इस अभिक्रिया में आणविकता की, कि इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो आणविकता कितनी है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको ये पहचान लेना है कि इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु हैं। अभिकारक कौन होते हैं, जो इधर वाले होते हैं इन्हें अभिकारक बोलते हैं और इधर वाले होते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। तो आणविकता वह होती है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या, मतलब एक अभिकारक अणु ये रहा, एक अभिकारक अणु ये रहा, तो अभिकारक अणु की संख्या को ही बोलते हैं आणविकता। तो यहाँ पे कितने अभिकारक है, पहला ये अणु, दूसरा ये, तो 2 अभिकारक अणु, इसलिए इसकी आणविकता जो होती है 2 होती है। ठीक है, तो अभिकारक अणुओं की संख्या, मतलब इधर वाले उत्पाद है इधर वाले अभिकारक, तो अभिकारक कितने, एक ये रहा CH3COOH और दूसरा कितना रहा NaOH, तो 2 अभिकारक अणु, इसलिए इसकी आणविकता 2। कहीं पे एक अभिकारक होगा तो उसकी आणविकता 1, 3 अभिकारक हो तो आणविकता 3। ठीक है, ये चीज बात है। तो ये बात है आणविकता की, आणविकता की परिभाषा उदाहरण। ठीक है, आणविकता समझ में आ गई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही आणविकता होती है। ठीक है, अगली परिभाषा है अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। कोटि को ध्यान से समझना। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसको ध्यान से समझना। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थों या अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, मतलब देखो आणविकता तो सीधा सीधा थी अभिकारक अणुओं की संख्या, लेकिन कोटि में वही अभिकारक अणुओं की संख्या ली जाएगी जो अभिक्रिया की सांद्रता में भाग लेते हैं, मतलब जो अभिक्रिया करने में अपना बहुत भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग देते हैं, उनकी ही संख्या को गिना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो अगर ये वाला उदाहरण ही ले ले जो ऊपर लिखा है CH3COOH प्लस NaOH जिससे बनता है CH3COOHNA
प्लस H2O, ये आपका बनता है। तो यहाँ पे अगर कोटी की बात करें तो जो कोटी होती है, देखो सबसे पहले आपको वेग समीकरण पता होना चाहिए। वेग समीकरण आपको पता है तो कोटी आप निकाल सकते हो। देखो वेग समीकरण आपको पहले बता दें, वेग समीकरण क्या होता है, ठीक है। वेग समीकरण याद कर लेना, वेग समीकरण अगर कभी पूछा जाए तो वेग समीकरण होता है वेग बराबर या वेग समान, चलो वेग बराबर लिख लो, वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये होता है वेग समीकरण, ठीक है। वेग बराबर के होता है वेग स्थिरांक, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, अगर एक्स और वाई को आप जोड़ देते हो तो आपको कोटी मिल जाती है, ठीक है। जैसे अगर इसके लिए आपको वेग व्यंजक लिखना हो, ये वेग समीकरण या वेग व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। अगर इसके लिए वेग समीकरण लिखना हो तो वेग बराबर हो जाएगा, के सबसे पहले आएगा वेग स्थिरांक, फिर यहाँ पे जो ए और बी है ना ये अभिकारक ही तो है, जैसे यहाँ पे CH3COOH और NaOH है, तो यहाँ पे आपको लिखना है CH3COOH, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं लगा इसलिए इसकी पावर 1 हो जाएगी, और फिर आपका दूसरा अभिकारक अणु कौन सा NaOH, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका इसके लिए वेग व्यंजक बनेगा इस अभिक्रिया के लिए। यहाँ पे CH3COOH है तो CH3COOH की पावर 1, यहाँ पे NaOH है तो NaOH की पावर 1, ठीक है। अब अगर आप कोटी निकालना चाहते हो अभिक्रिया की, कोटी, तो कोटी निकालने के लिए जो अभिकारक की, देखो ये जो अभिकारक है इसकी जो घात है, जैसे इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो इन दोनों 1 और 1 को जोड़ दो तो जो निकल के आएगी उसे कोटी बोलेंगे 2। जैसे यहाँ पे अगर कोटी की बात करें तो कोटी कितनी आ जाएगी, ए और बी यहाँ पे अभिकारक हैं तो इनकी घात कितनी, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को जोड़ दो तो ये कोटी निकल के आ जाएगी एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर निकाला तो 1+1 2 आया। मतलब परिभाषा एक बार समझ लेते हैं, परिभाषा पे ये कहा गया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटी कहलाती है। इसमें मतलब ये देखो, उसमें तो सीधा था 2 निकल आई थी, कैसे, अभिकारक अणु की संख्या से, लेकिन अगर इसमें ये और ये दोनों अभिकारक अणु आपके इस अभिक्रिया में पूर्ण तरह भाग लेंगे तभी आपको इन दोनों को लेना है। अगर इसमें से एक भी अणु आपका पूरी तरह भाग नहीं लेता, उसका बहुत कम भाग काम आता है, तो उसको आपको नहीं लेना, केवल इसी वाले को ले लेना है। जैसे एक अभिक्रिया का उदाहरण आपको यहाँ पे दें, ठीक है, अगर आपको नीचे दिखे तो यहाँ पे देखना ध्यान से, एक अभिक्रिया होती है C12H22O11, इसे बोलते हैं सुक्रोज। जब ये H2O से क्रिया करता है तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये एक अभिक्रिया होती है। इसमें जो होता है, इसमें जो अभिक्रिया का वेग आता है वो केवल क्या होता है, वो केवल इसी के समानुपाती होता है, मतलब इसी के बराबर में लिखा जाता है, इसके नहीं लिखा जाता। यहाँ पे C12H22O11 इसकी पावर ही आपको लिखनी कितनी, 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा इसलिए इसकी पावर 1 लिखनी है। H2O यहाँ पे काम में नहीं लिया जाता, इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि यहाँ पे H2O जो होता है इसकी सांद्रता बहुत कम यूज होती है इसकी अपेक्षा, तो इसकी सांद्रता बहुत कम यूज होने की वजह से इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेते, और कोटी केवल कितनी आ जाती, 1 आ जाती। इसलिए कह रहे हैं आपसे कि आपको वही अभिकारक अणु लेने हैं, पदार्थों या अभिकारक अणुओं की वही संख्या लेनी है जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O का सांद्रण जो है बहुत कम परिवर्तित हो रहा था इसलिए यहां पे इसका नहीं लिया गया, ठीक है। तो आपको देखो अभी ये चीज जो है ना, ये अभी एक अभिक्रिया आती है पेपर में हर साल, आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हर साल पेपर में आती है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें आपको ये उदाहरण अभी समझाएंगे, तो टेंशन ना लेना, अभी आपको अच्छे से समझा भी देंगे, ठीक है। तो इस वाले को अभी हम इरेज कर रहे हैं, अभी आपको अभी जब पढ़ाएंगे आभासी एकाणुक अभिक्रिया इसके बाद तब आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी केवल आपको परिभाषा समझ लेनी, ये भी इरेज कर दे रहे हैं, अगर आप लोग वेग समीकरण कहीं नोट करना चाहना तो कॉपी पे साइड पे नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको भी अभी रेज कर दे रहा है, मेन चीज आपका यह है जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल आपसे सबसे पहले आणविकता और कोटि की परिभाषा पूछी जाएगी और उदाहरण पूछा जाएगा। आणविकता की परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही आपकी क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अगर आपके 2 अभिकारक हैं तो 2 आणविकता, 3 अभिकारक तो 3 आणविकता, लेकिन कोटि पे ऐसा नहीं होता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले आपके पदार्थों या अभिकारक अणुओं की वही संख्या होती है जिनका सांद्रण अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, मतलब जिनका सांद्रण इस पूरी अभिक्रिया में आपका भाग लेता है पूरी तरह से, तो उस वही होती है अभिक्रिया की कोटि में भाग लेते हैं वही पदार्थ, ठीक है, वही पदार्थ या वही अणु। जैसे यहाँ पे
ये दोनों अड़ू भाग ले रहे थे। तो वेग व्यंजक बस याद रखना, वेग बराबर के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ए की जगह ये अभिकारक अड़ू होते हैं। जैसे यहाँ पे सी एस सी डबल ओ एच, तो इस पे यहाँ पे कुछ नहीं लगा इसलिए इसकी पावर वन। एन ए ओ एच है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे इसकी पावर वन। तो कोटि निकालनी, इन दोनों को जोड़ दो, वन प्लस वन टू, ठीक है। तो इस टाइप से कोटि ये इसकी हो गई, ये आणविकता हो गई, ठीक है। तो आणविकता पढ़ लिया, कोटि पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो ये चीज था, आपका दो या तीन नंबर पे प्रश्न आता है तो आप आसानी से इन दोनों की परिभाषा उदाहरण लिख सकते हो। अब आपका एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर को बताइए, ठीक है। आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। तो अब हम बात कर लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, तो अंतर वाला प्रश्न भी बता दे आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला टॉपिक, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। आपसे परिभाषा अलग पूछी जाती है, ये वाला प्रश्न भी आता है, परिभाषा वाला, उदाहरण वाला, और अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, ये भी तीन नंबर पे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अभिक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं और अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है आणविकता और कोटि में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने एक तरफ लिख दिया आणविकता, दूसरी तरफ लिख दिया कोटि। आणविकता और कोटि की परिभाषा अगर आप लोग समझ चुके हो तो इसमें अंतर आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। पहला ये है अंतर देखना, पहला अंतर समझते हैं। पहला है आणविकता पे कि अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, मतलब आणविकता पूर्ण संख्या के मतलब जैसे एक दो तीन चार इस टाइप से आणविकता इस टाइप से होगी, एक दो तीन चार इस टाइप से क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। लेकिन जो पहला नंबर अभिक्रिया की कोटि पे है कि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, मतलब भिन्नात्मक कई मतलब ये एक बटा दो भी हो सकती है, एक बटा तीन भी हो सकती है, दो बटा तीन भी हो सकती है, तीन बटा पांच भी हो सकती है, इस टाइप से भी हो सकती है। पूर्ण संख्या तो होती ही होती है लेकिन भिन्नात्मक भी होती है कोटि, ठीक है। तो पहला अंतर यही कि अभिक्रिया की आणविकता जो होती है सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे वन टू थ्री फोर इस टाइप से, और अभिक्रिया की कोटि आपकी सदैव पूर्ण संख्या नहीं होती, ये कभी भिन्नात्मक भी हो सकती है, जैसे वन बाई टू टू बाई थ्री इस टाइप से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका पहला अंतर है आपका, ठीक है, पहला अंतर आशा करते हैं आपको समझ में आया। दूसरा अंतर यह है कि आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, आणविकता कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। आणविकता कभी भी जीरो नहीं होगी, जीरो से ऊपर ही होगी, वन टू थ्री फोर होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। लेकिन जो आपकी कोटि होती है जीरो हो सकती है, शून्य हो सकती है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया होती ना, तो इसीलिए अभिक्रिया की कोटि जो हो सकती शून्य हो सकती, जीरो हो सकती। तो ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर यह है कि अभिक्रिया ये जो आणविकता है यह एक सैद्धांतिक मान है और जो कोटि है या एक प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है, ठीक है। आणविकता जैसे आपने देखा कोई भी अभिक्रिया अभिकारक अणुओं की संख्या को आणविकता बोलते हैं, अभिकारक अणुओं की संख्या को, तो आपने देखा अणुओं की संख्या दो है या तीन है, आपने तुरंत बता दिया सिद्धांतिक मान से कि आणविकता दो है। लेकिन आपकी कोटि जो होती है, हमने कहा था ये आपका वेग निर्धारक पद में जितने अभिकारक आपका क्या होंगे उनकी सांद्रता परिवर्तित होगी, वही आपके वही आपके कोटि पे गिने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होती है प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है और ये सैद्धांतिक मान होता है, सैद्धांतिक मान है आणविकता और कोटि जो है प्रयोगों द्वारा निकाली जाती, ठीक है। दूसरा इसका मतलब चौथा इसका जो अंतर है वो है कि यह वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है। जो आणविकता होती है वेग निर्धारक में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या होती, जैसे वेग निर्धारक पद कौन था, जैसे ये था वेग बराबर के, उसमें क्या था सी एस थ्री सी डबल ओ एच था, ठीक है, सी एस सी डबल ओ एच की पावर वन था, एन ओ एच की पावर वन था, इस टाइप से आया था वेग निर्धारक पद या वेग समीकरण। इसमें जो ये अभिकारक अणुओं की संख्या है ये वाला, ये पहला अभिकारक ये, दूसरा अभिकारक ये, यही होती है आपकी आणविकता। तो यह वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, लेकिन कोटि जो होती है यह समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग होता है। ये जो सांद्रता पदों की घात है, जैसे इसकी घात वन इसकी घात वन, तो इनका योग जो होता है वो कोटि होती है, ठीक है। तो ये इसका चौथा अंतर भी समझ सकते हो आप लोग कि जो आपकी आणविक होती है या वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि होती है या समीकरण में सांद्रता पदों की घातों का योग होती है, ठीक है। तो ये है आणविकता और कोटि में अंतर, परिभाषा आपने समझ ही ली थी तो आप लोग इसमें अंतर भी आसानी से लिख सकते हो। पहला अंतर अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है लेकिन कोटि जो होती है भिन्नात्मक भी हो सकती है, आणविकता शून्य नहीं होती लेकिन कोटि शून्य हो सकती है, या आणविकता एक सैद्धांतिक मान है लेकिन आपकी कोटि एक प्रायोगिक मान है। चौथा अंतर यह कि
वेग निर्धारण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है, और कोटि जो होती है या समीकरण में शांता पदों की घातों का योग होती है, जो घात होती है उसकी घात वन या टू होती है, उनका योग जो होती है वो कोटि होती है। ठीक है, तो ये है आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो आशा करते हैं सब लोग इसको भी समझ चुके हो, अगर ये पूछा जाता है तो आसानी से आप लोग इसको लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब ये जो क्वेश्चन अगला हम क्वेश्चन बता रहे थे कि आभासी एकाणु कवकीय किसे कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर साल पेपर में आती 3 नंबर पे, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो इसको नोट करो, आप बात करते हैं आभासी एकाणु कवकीय किसे कहते हैं। तो आप देखो बात करते भैया आभासी एकाणु कवकीय किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बात करें इस क्वेश्चन को भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। ठीक है, आभासी एकाणु कवकीय किसे कहते हैं, इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, तो देखो पढ़ो यहाँ पे, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो आभासी एकाणु कवकीय कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को आभासी एकाणु कवकीय कहते हैं, जिसमें कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक ना हो, अर्थात एक से ज़्यादा या कम हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सिंपल उदाहरण की बात करें तो कोई अभिक्रिया जैसे लेते, जैसे हमने वाली अभिक्रिया बताई थी, ये वाली C12H22O11, ठीक है, क्या चीज था, C12 या C12H22O11 प्लस H2O, यहाँ पे H प्लस की उपस्थिति होती है जिससे बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ये चीज आपका बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर नाम की बात करें तो इसका नाम सुक्रोज होता है, इसका नाम सुक्रोज होता है, इसका नाम ग्लूकोज होता है, और इसका नाम फ्रक्टोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज। ठीक है, तो सुक्रोज जब H2O से अभिक्रिया करता है H प्लस पे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अब बात करें हमें बताना आभासी एकाणु कवकीय, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, कोटि। कोटि के लिए हमें वेग व्यंजक लिख लेना है। वेग व्यंजक जो हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा, ये आपका हो गया इसकी पावर सी बार, यहाँ पे पहले के आएगा ना, वेग स्थिरांक, वेग बराबर के, और इसकी पावर में कितना हो जाएगा C12H22O11, यहाँ पे कुछ नहीं लगा इसलिए इसकी पावर में हो जाएगा 1। ठीक है, इसकी पावर में हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि H2O को भी लिखना चाहिए इसकी पावर भी 1, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये जब सुक्रोज और H2O मिलते हैं तो H2O जो होता है बहुत कम सांद्रण इसका परिवर्तित होता है इस अभिक्रिया में। देखो जब आपका सुक्रोज H2O से अभिक्रिया करता है तो H2O की बहुत कम मात्रा लगती है, H2O का बहुत कम सांद्रण लगता है, जबकि इसका ज़्यादा लगता है, तो इसलिए H2O को नेग्लेक्ट मान लेते हैं हम लोग, इसका सांद्रण नहीं मानते, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, केवल हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इससे अगर यहां से हम कोटि निकालेंगे तो कोटि हमारे पास कितनी आएगी, कोटि आएगी 1, कोटि कितनी आएगी, इसकी घात 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कोटि आई 1। लेकिन अगर बात करें हम लोग आणविकता की, आणविकता क्या चीज होती है, आणविकता होती है अभिकारक अणुओं की संख्या, आणविकता होती है अभिकारक अणुओं की संख्या। तो अभिकारक अणु कितने, पहला ये रहा सुक्रोज वाला C12H22O11, दूसरा रहा H2O, तो हमारे पास अभिकारक अणु कितने हैं, 2, तो इसलिए आणविकता हो जाएगी यहाँ पे 2 और कोटि हो जाएगी यहाँ पे 1। तो जब भी कोटि एक हो और आणविकता एक ना हो, तो ऐसी अभिक्रिया को आभासी एकाणु कवकीय कहते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हो, चूंकि इस अभिक्रिया में या यहाँ पर इस अभिक्रिया में कोटि एक है परंतु आणविकता एक नहीं है, परंतु आणविकता एक नहीं है, आणविकता एक नहीं है, अतः ये कौन सी अभिक्रिया है, अतः यह आभासी एकाणु कवकीय है, आभासी एकाणु कवकीय है। ठीक है, अतः यह क्या है, आभासी एकाणु कवकीय है। ठीक है भैया, ये कौन सी अभिक्रिया, अतः यह आभासी एकाणु कवकीय है। ठीक है, मतलब चूंकि इस अभिक्रिया में कोटि है, मतलब कोटि एक है, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए कोटि एक है परंतु आणविकता एक नहीं है, अतः यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया, आभासी एकाणु कवकीय है। ठीक है, आभासी एकाणु कवकीय वही अभिक्रिया होगी जिसमें कोटि एक होगी लेकिन आणविकता एक से
एक मतलब नहीं होगी, एक से ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ना हो। तो ऐसे अब क्रिया आभासी कड़ों का क्रिया कोटि देखी, केवल इस पर निर्भर करेगा वेग व्यंजक, इसलिए इसकी घात आपकी जो होगी वो कोटि कहलाएगी। आर्विकता क्या होती है? आपका अभिकारक अड़ुओं की संख्या, तो एक अभिकारक अड़ु ये, दूसरा अभिकारक अड़ु ये, तो दो अभिकारक अड़ु, इसलिए आर्विकता दो, और कोटि यहाँ से इस वेग व्यंजक से निकली इसलिए इसकी आई कोटि वन। तो चूंकि इस अभिक्रिया में कोटि एक है परंतु आर्विकता एक नहीं है, अतः अभिक्रिया आभासी कड़ों का क्रिया कहलाती है। उदाहरण ये रहा, उदाहरण द्वारा हमने समझा दिया, ठीक है। तो मस्त तरीके से इस अभिक्रिया को भी आप लोग समझ सकते हो। तो आशा करते हैं अभिक्रिया भी सबको समझ में आई, इंपॉर्टेंट थी, अच्छे से समझ लिया आपने, ठीक है। अब बात करते हैं अगला नंबर टॉपिक, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है कौन सा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। ये पांच नंबर पे पूछा जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, ठीक है। तो अब आप लोग इसको नोट करो, अब हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की। तो आप बात करते भैया शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको उदाहरण द्वारा समझाइए और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक का डेरिवेशन कीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, पाँच नंबर का ये पूछा जाता है, तो मस्त तरीके से आपको इसको भी देखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में, शून्य कोटि अभिक्रिया आपकी किसे कहते हैं और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा और इसको उदाहरण से समझ लेते हैं, फिर इसके डेरिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। पाँच नंबर का पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, हल्के बना लेना, अच्छे से तैयार कर लेना इसे, ठीक है। तो बात करें शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तो पढ़ो यहाँ पे, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसकी दर क्या हो वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, उस अभिक्रिया को, मतलब उस कोटि को कौन सी कोटि बोलते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। देखो ध्यान से, उदाहरण से समझते हैं, ठीक है, उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लो आपके पास कोई अभिक्रिया हो जैसे H2+Cl2, ठीक है। यह अभिक्रिया जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है H2+Cl2 की, जिससे बनता है 2HCl, ठीक है। ये अभिक्रिया होती है, यहाँ पे बात करें H2 जो होती है हाइड्रोजन गैस होती है, Cl2 जो होती है क्लोरीन गैस होती है। अगर हम यहाँ पे वेग व्यंजक लिखें तो वेग जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा के, H2 अभिकारक है तो H2 हो जाएगा यहाँ पे इसकी पावर, और आपका Cl2 हो जाएगा इसकी पावर, ठीक है। यही तो होना चाहिए, वेग बराबर के H2 यहाँ पे और Cl2 इसकी पावर में कुछ आना चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं लगा था इसलिए यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपकी अभिक्रिया में गैस अभिकारक की जगह हो, गैस हो, तब आपको पावर में आपको हमेशा 0 रखना है, ठीक है। ध्यान से समझो, जब भी आपके पास कभी गैस हो तो आपको पावर में क्या रखना है, 0 यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे क्या रख देना है, 0 रख देना है, ध्यान रखना ये चीज। अगर कभी भी अभिकारक में क्या हो, गैस हो, तो आपको क्या करना है, उसकी जगह उसकी घात में क्या रखना है, 0। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लगा था, 1 आपका होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन गैस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और जब हम कोटि निकालेंगे, कोटि में आपको घातें जोड़नी होंगी, इसकी घात 0 प्लस इसकी घात 0 बराबर निकल के आएगा 0, अतः ये क्या हो जाएगी, अतः यह अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया है, अतः यह अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया है, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो आपका, जो मतलब देखो कहा गया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही न करे, जिसमें वेग जो हो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर न करे उसे क्या बोला जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे बात करें तो वेग बराबर कितना आ जाएगा, देखो वेग बराबर यहाँ से k है आपका H2 की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती तो इसकी जगह होता है 1, Cl2 की पावर 0 तो इसकी जगह भी होता है 1, तो यहाँ से आ जाएगा वेग बराबर सूत्र आ जाएगा k, वेग बराबर क्या आ जाएगा k, तो आपको वेग बराबर k मिल रहा है, मतलब k है वेग स्थिरांक, वेग बराबर वेग स्थिरांक k, अर्थात यहाँ पे आपको
सांद्रता दिख ही नहीं रही है, क्योंकि सांद्रता क्या हो जा रही है, उसकी घात जीरो हो जा रही है, इसलिए सांद्रता है ही नहीं इस सूत्र पे। तो मतलब कि सांद्रता पर वो आपका जो निर्भर ही नहीं करता, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर, जिसका वेग, दर का मतलब होता है वेग, जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, इसमें आपको कहीं सूत्र में अभिकारक की सांद्रता दिख रही नहीं दिख रही ना, तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती उसे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और हिंदी में शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण एक दे देना, इस टाइप से H2+Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, 2HCl बनता है, जहाँ H2 गैस है Cl2 गैस है, इसलिए इसकी जो घात होगी यहाँ पे जीरो लिखी जाएगी, कोटि निकालेगी, 0+0=0, अतः यह अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया है। और यहाँ पे यह परिभाषा की बात करें कैसे बनी, तो वेग बराबर के H2^0, किसी की पावर जीरो होता है तो उसकी जगह 1 लिख देते हैं, Cl2^0 है इसकी जगह 1, तो यहाँ से आया वेग बराबर के। तो यहाँ पे आपको इस सूत्र में कहीं भी अभिकारक की सांद्रता सी नहीं दिख रही, तो अतः यहाँ से कह सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती वह अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो ये परिभाषा, ये उदाहरण। अब बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब उसकी बात करते हैं, आप लोग एक बार परिभाषा नोट कर लो, तो हम इसे इरेज कर दें, फिर आपको वेग स्थिरांक का व्यंजक बताने। तो अब बात करते हैं भैया आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक का डेरिवेशन कैसे होता है। आपने अभिक्रिया समझ ली शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं उदाहरण सहित, अब बात करें इसका व्यंजक, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लगा दी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है। तो देखो व्यंजक करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, समझना। सबसे पहले आपको एक चीज़ हमने बताया था कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है अभिक्रिया का जो वेग होता है dx/dt वो किसके समानुपाती होता है, सांद्रता c के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मान लो अभिकारक की सांद्रता, अगर अभिकारक की सांद्रता यहाँ से मान लीजिए a हो, अभिकारक की सांद्रता a हो, तो यहाँ पर से a सांद्रता हम लोग मान ले रहे हैं, और मान ले रहे हैं कि सांद्रता की घात y के समानुपाती है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारक की सांद्रता a की घात y के समानुपाती है, क्योंकि यहाँ पे कोटि की जरूरत पड़ेगी, कोटि के लिए घात लिखना होगा तभी तो निकाल पाओगे। देखो क्योंकि अगर यहाँ से आपको पता है वेग जो होता है समानुपाती होता है a की पावर x b की पावर y के, यही तो होता है, यही तो होता है a की पावर x b की पावर y के। तो यहाँ से अगर वेग को किसी एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती मान लिया गया है, बस वही किया गया है, और वेग होता है dx/dt, तो dx/dt लिख दिया गया, ठीक है। कोई एक अभिकारक ले लिया गया a की पावर y, ठीक है, y उसकी घात है, और अगर यहाँ से कोटि निकालो तो इसकी कोटि कितनी आएगी, y आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर हम लिखें dx/dt समानुपाती y, ठीक है, हमें ये पता है dx/dt क्या होता है, a की पावर y के बराबर होता है, या यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि अब तो चलो ऐसे ही लिख देते हैं, वेग व्यंजक यहाँ पे लिख देना वेग व्यंजक, वेग व्यंजक कितना होता है, वेग व्यंजक होता है dx/dt की पावर, सॉरी dx/dt समानुपाती a की पावर y, ये चीज़ होता है वेग व्यंजक, ठीक है। अब अगर यहाँ पर से अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो dx/dt बराबर क्या आ जाता है, dx/dt बराबर एक नीतांक आता है k a की पावर y, यही तो हो जाता है, ठीक है, dx/dt बराबर k a की पावर y। अब यहाँ पे कहा गया शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया किस कोटि की है, शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, जीरो अर्थात शून्य। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो जितनी घात होती वही तो उसकी कोटि होती ना, अभिकारक की सांद्रता की जो घात होती है वही तो कोटि होती, तो यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता a है तो इसकी जो घात y है वही तो कोटि होगी, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर से अगर हम लोग रखें तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, k a की पावर जीरो, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप लोग लिख लेना, जहाँ ए अभिकारक की सांद्रता है, ऐसे लिख देना, ठीक है, ए अभिकारक की क्या है, सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता है, ठीक है, जहाँ ए क्या है, इस टाइप से जो कोष्टक में लिखा है, अभिकारक की सांद्रता है और इसकी घात क्या है, वाई है। तो यहाँ पर से जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो वाई बराबर जीरो हो जाएगा, तब dx/dt बराबर के ए की पावर जीरो, क्योंकि शून्य कोटि इसलिए वाई की जगह जीरो रखा। अब किसी की भी पावर जीरो होता है तो हमने बताया था किसी की घात अगर जीरो है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। तो dx/dt बराबर हो जाएगा के इंटू ए की पावर जीरो है तो इसकी जगह आप वन लिख सकते हो। तो यहाँ पर से आ जाएगा dx/dt बराबर
के इंटू वन मतलब सीधा सीधा के, इसे मान लेना समीकरण नंबर एक, ठीक है। डीएक्स अपॉन डी टी बराबर के आया, अभी चलो समीकरण एक ना मानो, अभी इसके थोड़ा और हल कर लें। डीएक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आया, के इंटू वन के। अब अगर इस डी टी जो नीचे डी टी लिखा है इसे उधर भेज दें तो डीएक्स बराबर क्या हो जाएगा, डीएक्स बराबर हो जाएगा के इंटू डी टी, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर एक, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो डी टी नीचे था, ये जो डी टी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये इस डी टी को अगर हम उधर भेज दें, नीचे भाग में उधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी उधर चला जाएगा के इंटू डी टी, इसे मान लिया समीकरण एक। अब क्या करते हैं, वेग व्यंजक निकालने के लिए ये जो समीकरण एक है हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन। आप लिखते हैं यहाँ पे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन करने पे या समाकलन करने पे, तो इंटीग्रेशन या समाकलन का यहाँ पे चिन्ह लगेगा इस टाइप से। यहाँ dx लिखा हुआ है तो dx आपको लिख देना है, बराबर में यहाँ पे समाकलन का चिन्ह लगाना है, k इंटू डी टी लिख देना है। सिंपल देखो, कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे dx था तो हमने यहाँ पे समाकलन लगाया, dx लिख दिया, वहाँ k इंटू डी टी था तो समाकलन k इंटू डी टी लिख दिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पर से अगर इसका मान निकालने की हम कोशिश करें, देखो अगर आपको कहीं पे दिखे समाकलन dx तो उसका मैथ वालों को तो सूत्र पता होगा कि समाकलन dx का, समाकलन dx होता है तो उसका मतलब ये होता है वन इंटू dx, वन इंटू dx ये होता है, ठीक है। तो वन का समाकलन कितना होता है, x होता है, मैथ वालों को तो सबको पता होगा इसका समाकलन कितना होगा वन, ठीक, सॉरी इसका समाकलन कितना होगा x, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो इसका समाकलन आ जाएगा x। तो समाकलन dx जब आप समाकलन करोगे इसका, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो x बराबर, यहाँ पे k एक कांस्टेंट है क्योंकि वेग स्थिरांक जो होता है एक नियतांक के रूप में आता है, तो यहाँ से k को बाहर कर लेंगे, बचेगा कितना dt, यहाँ से कितना बच गया dt, ठीक है। तो जब इसी प्रकार जब समाकलन dx का x होता है तो उसी प्रकार समाकलन dt का क्या हो जाएगा, t, तो यहाँ पर से हो जाएगा x बराबर k इंटू समाकलन dt का कितना हो जाएगा t, और जब समाकलन होता है तो एक कांस्टेंट आता है c, तो यहाँ पर से लिख देंगे x बराबर k इंटू t प्लस c, ठीक है। c जो होता है एक नीतांक के रूप में आता है, ये जब आपका समाकलन करते हैं हम लोग, जब भी समाकलन करेंगे तो उसमें लास्ट में प्लस में c आएगा, ठीक है। c एक कांस्टेंट होता है, एक नीतांक होता है, तो ये चीज़ मैथ वालों को तो सबको पता होगा, बायो वाले बस समझो कि प्लस का सी आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने कहा समाकलन करने पे समाकलन dx बराबर समाकलन k इंटू डी टी, यहाँ से k, देखो जब समाकलन dx होता है तो समाकलन dx का एक फार्मूला होता है मैथ में, समाकलन dx बराबर होता है x, वैसे ही समाकलन dt बराबर होता है t, समाकलन dp हो तो p होता है उसका, ठीक है, मतलब जो लग जाए वही होता है। अगर dx है तो x होगा, समाकलन dt है तो t होगा, समाकलन dp है तो p होगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो समाकलन dx था तो इसका समाकलन आया x, यहाँ से k बाहर कर लिया, k समाकलन dt, तो यहाँ पर समाकलन dt का फिर से निकाला तो कितना आएगा t, और लास्ट में जब समाकलन पूरा हो जाता है तो हम प्लस का c जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पर से कितना आया x बराबर k इंटू टी प्लस सी, इसे मान लो समीकरण नंबर दो, ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर दो। आप लिखते हैं यदि यदि आपका समय t बराबर जीरो हो तब x बराबर क्या हो जाएगा जीरो, मतलब जब समय t बराबर जीरो होगा तो अभिकारक की सांद्रता भी कितनी हो जाएगी जीरो, मतलब जब समय t बराबर जीरो होगा तो सांद्रता कितनी हो जाएगी x बराबर जीरो। तो अगर हम इस समीकरण दो में रखें x का मान जीरो और t का मान जीरो तो कितना आता है, x की जगह अगर जीरो रखोगे तो जीरो बराबर k इंटू टी, टी की जगह भी जीरो रखो प्लस का सी, तो यहाँ से सी का मान निकाल सकते हो, जीरो बराबर के इंटू जीरो, जीरो हो गया प्लस का सी, यहाँ से सी का मान निकालोगे तो आएगा जीरो। ध्यान से देखो क्या किया, यदि t बराबर जीरो हो तब x बराबर जीरो, तो t की जगह जीरो रख दो, x की जगह जीरो रख दो, तो c का मान यहाँ से निकल आया जीरो। अब हम लोग c का मान समीकरण दो में रख देंगे, तो c का मान समीकरण दो में रखने पर, c का मान समीकरण दो में रखने पर, जब हम लोग c का मान समीकरण दो में रखते हैं तब x बराबर आ जाता है kt प्लस c की जगह जीरो, तो x बराबर kt, यही आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, लिख देते हैं, यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, लिख लेना नीचे आप लोग, यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, क्योंकि अब जगह बची नहीं है, तो x बराबर kt यही शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, अगर आपसे कभी भी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक पूछ ले, मात्रक पूछ ले तो मात्रक भी समझ लो कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुविकल्पी पे आता है, ठीक है, बहुविकल्पी पे पूछा जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक बताओ, वेग स्थिरांक का प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताओ, तो मात्रक कैसे निकाला जाता है वो इसी सूत्र से देखो, x बराबर आया kt, मात्रक किसका पूछा जाता है, इस वेग स्थिरांक k का, तो यहाँ से x बराबर होता है kt, अगर यहाँ से k का मान निकाले तो k बराबर हो जाता है x अपॉन में t,
के बराबर क्या हो जाता है, एक्स अपॉन टी। देखो ये के ये रहा, अगर इस टी का यहाँ गुणा है तो इसे नीचे भेज दो तो ये टी नीचे आ जाएगा, तो के बराबर एक्स अपॉन में टी। ठीक है, के बराबर क्या आ गया, एक्स अपॉन टी। तो के क्या है, वेग स्थिरांक, और एक्स क्या है, अभिकारक की सांद्रता, और टी क्या है, समय। यही तो है, के वेग स्थिरांक है, एक्स अभिकारक की सांद्रता, टी समय। तो अभिकारक की सांद्रता जो होती है, सांद्रता का मतलब होता है मोलरता, मात्रक अब लिख रहे हैं हम लोग इस के का मात्रक। ठीक है, तो के का मात्रक के लिए एक्स का मात्रक बटे में टी का मात्रक, यहाँ पे यही तो है, एक्स बटा टी मतलब एक्स का मात्रक बटे में टी का मात्रक। ठीक है, यही चीज तो है, एक्स का मात्रक बटे टी का मात्रक। एक्स क्या, अभिकारक की सांद्रता, जब भी सांद्रता कहा जाए, सांद्रता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर अर्थात मोलरता। सांद्रता कभी भी कहा जाए मोलरता मान लेना आप लोग, सांद्रता को क्या कहते हैं, मोलरता। ठीक है, और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो ऊपर एक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल बटा लीटर, और समय बटे में टी का मात्रक। टी क्या होता है, समय, समय का मात्रक तो सबको पता है सेकेंड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। एक्स का मात्रक एक्स था सांद्रता, तो सांद्रता को मोलरता मानेंगे, इसलिए मोल प्रति लीटर उसका मात्रक एक्स का, टी का मात्रक समय, समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से लिखा गया मोल बटा लीटर और बटा सेकंड, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो मोल, और यहाँ पे प्रति लीटर जो है इसे लिख सकते हो लीटर इनवर्स, लीटर इनवर्स मतलब बटे में अगर कोई चीज़ है तो उसे ऊपर ले जाओगे तो इनवर्स में हो जाती है, तो मोल लीटर इनवर्स, और ये जो सेकंड है सेकंड में ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स, ये इसका मात्रक आता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आता है के का मात्रक, के क्या है यहाँ पे, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। और ये कब आया है के का मात्रक, देखो अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, के का जो मात्रक आया है वो आया है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये आया है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अलग निकलता है, ये अभी आपका क्या हो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आया है। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये पूछा जाता है, इसलिए आपको बता दिया, निकालना आप लोग आसानी से निकाल लेना इसी सूत्र से, एक्स बराबर के इंटू टी से। अगर यहाँ से के का मान निकालोगे एक्स अपॉन टी, एक्स अभिकारक की सांद्रता है, सांद्रता को मोलरता बोलते हैं, तो मोल बटा लीटर अर्थात मोल लीटर इनवर्स उसका हो गया मात्रक, और आपका बटे में टी का मात्रक समय अर्थात सेकेंड, तो मोल लीटर इनवर्स है और बटे में सेकेंड है, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा सेकेंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स जो हो जाएगा इसका मात्रक हो जाएगा, किसका, प्रथम सॉरी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक। ठीक है, तो देखो ये पांच नंबर का टॉपिक है कि शून्य कोटि अभिक्रिया किससे कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालो, मात्रक पूछा जाए, मात्रक भी यही से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे इसका व्यंजक होता है, इसी टाइप से सबसे पहले वेग व्यंजक लिख लो, dx अपॉन dt समानुपाती a की पावर y, यहाँ से y बराबर जीरो रखो, तब जब a की पावर जीरो हो जाएगा तो इसी जगह वन लिख सकते हो, dx अपॉन dt के इक्वल आया, dt उधर चला गया, dx बराबर k इंटू dt, समाकलन कर दो, समाकलन करने पे x बराबर k इंटू t प्लस c आएगा, c का मान निकालने के लिए t की जगह जीरो और x की जगह जीरो रखो, c आया जीरो, c यहाँ पे रख दो तो x बराबर k इंटू t, यही है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, फिर मात्रक निकल आया इस टाइप से। ठीक है, पांच नंबर पक्के समझ में आए कि नहीं, देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं यार आपको समझ में आए, ठीक है, इसीलिए टाइम दे के समझा रहे हैं, ठीक है, कि पूरा आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है यार, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको भी समझ में आए, तो आप लोग इन जितने टॉपिक को बता रहे हैं यार प्लीज़ इनको तैयार कर लेना, तो हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी और आप भी केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेके आओगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया वाला, अब इसी टाइप से प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो अब आप लोग इसे नोट कर लो, फिर बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की। आप भैया बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, शून्य कोटि अभिक्रिया वाला और प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला, इनमें से एक ना एक पूछा जा सकता है, तो मस्त तरीके से तैयार कर लेना इनको, ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जान लो आप लोग। ठीक है, तो शुरू करें इसको भी, प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा। ठीक है, तो कहा गया वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि पे कहा गया था कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती, क्योंकि उसमें शून्य हो जाती थी अभिकारक की सांद्रता, इस कारण से उस पर निर्भर ही नहीं करती थी, और इस कारण से उस अभिक्रिया को बोलते थे शून्य कोटि अभिक्रिया। लेकिन इसमें अभिकारक की जो सांद्रता होगी, मतलब जो अभिक्रिया की दर होगी, वो अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात की समानुपाती होगी, और यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। पढ़ सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हो,
अगर बात करें तो अगर मान लो अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया की दर, दर का मतलब है वेग, दर या वेग एक ही चीज़ है, जो अभिक्रिया की दर या वेग होता है dx अपॉन dt वो किसके समानुपाती होता है, वो अभिकारक की सांद्रता, अगर मान लो अभिकारक की सांद्रता a है तो उसकी घात उसके सांद्रता के प्रथम घात, प्रथम घात का मतलब उसकी घात एक के समानुपाती होती है और यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे dx अपॉन dt वेग है और a अभिकारक की सांद्रता और उसकी प्रथम घात के समानुपाती, इसलिए इसकी घात एक। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt अभिकारक की सांद्रता a की प्रथम घात के समानुपाती होती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। देख सकते हो यह अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग है dx अपॉन dt समानुपाती a की पावर 1 जहां a आपका अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, आप देखो उदाहरण से इसे भी समझ रहे हैं हम लोग, उदाहरण से उदाहरण वही वाला बता देते हैं जो आपको पहले अभी एक दो एग्जांपल दिया, भाषी एकाणु अभिक्रिया पे भी दिया था आपको, कौन सा C12H2SO11 वाला, यही वाला बता दे, प्लस H2O H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इसमें आपने देखा था जो वेग था आपका, वेग बराबर था किसके, के ए की पावर, ये जो आपके मतलब ये अभिकारक केवल इसी पे निर्भर कर रहा था, C12H2SO11 की पावर 1 पे। तो यहाँ से इसकी कोटि कितनी आ रही थी, 1 आ रही थी, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, मतलब जैसे उसमें एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल हमने यहाँ पे भी ले लिया, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जो आपको अभी आभासी एकाणु अभिक्रिया पे बताया था एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया, C12H2SO11 प्लस H2H+ की उपस्थिति में जिससे C6H12O6 ग्लूकोज और प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज ये बनता है। तो अगर वेग की बात के हमने बताया था यहाँ पे H2O पे निर्भर नहीं करेगा क्योंकि इसका सांद्रण बहुत कम होता है, केवल इसी पे निर्भर करेगा, वेग बराबर के इसकी पावर में 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लगा इसलिए इसकी पावर 1, कोटि बराबर 1, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर ये गैस होती, अगर ये गैस होती तो इसकी पावर 0 हो जाता, ये भी याद रखना, गैस होगा तो इसकी पावर में 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे H2+Cl2 वाली अभिक्रिया कराई थी शून्य कोटि पे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसमें भी परिभाषा लिख सकते हो, उदाहरण लिख सकते हो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया पहले ऐसे लिख देना, dx/dt समानुपाती a की पावर 1 जहां dx/dt, चाहे तो लिख देना जहां dx/dt अभिक्रिया का वेग है, जहाँ dx/dt को अभिक्रिया का वेग बोलते हैं और a जो है अभिकारक की सांद्रता, इस टाइप से दर्शा देना जिससे जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर उसको भी पता चल जाएगा यहाँ पे क्या चीज़ क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद उदाहरण देके इस टाइप से समझा देना। अब इसके बाद बात क्या करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक आता है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसे नोट करो फिर हम इसे इरेज कर दें। अब बात करते हैं डेरिवेशन की, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब 5 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं आपका डेरिवेशन, तो इसको नोट कर लो। अब बात करते भैया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सिंपल, जैसे शून्य कोटि पे हमने किया था वैसे हम लोग प्रथम कोटि पे भी करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है जो वेग व्यंजक होता है उसको लिख लेना है, वेग व्यंजक, सबसे पहले आपको वेग व्यंजक लिख लेना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक क्या हो जाएगा आपका, dx/dt समानुपाती a की पावर 1, क्योंकि 1 यहाँ पे क्यों लगेगा, आप डायरेक्ट 1 लगा सकते हो या यहाँ पे अभी क्या करो y लगा लो, फिर लिखो या प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिख देना, चूंकि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जैसे सेम उसमें किया था वैसे इसमें भी करना है, चूंकि यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब dx/dt यहाँ से लिख रहे हैं, उधर से आएगा नहीं फिट है ना, dx/dt बराबर a की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह था, तो dx/dt बराबर समानुपाती a की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dx/dt अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है, k आ जाता है, और a की पावर 1 को आप सीधा सीधा a भी लिख सकते हो। ठीक है, a की पावर 1 को आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो इस टाइप से। तो dx/dt समानुपाती का चिन्ह हटा, k आया इंटू a, ये चीज़ आ गया। ठीक है, dx/dt बराबर k इंटू a, इतने तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, सिंपल, यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया थी इसलिए y बराबर 1 और ये चीज़ वैल्यू आ गई। आप देखो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ समझना है इस वाली प्रथम कोटि वाले पे, यहाँ पे आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा। मान लो अगर कोई अभिक्रिया होती, आपको पता है कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो आपको क्या पता है कि अभिक्रिया में क्या क्या होता है, अभिकारक होता है
और क्या होता है, उत्पाद होता है। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है, अभिकारक होता है और उत्पाद होता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे उसकी सांद्रता की बात कर लेते हैं और अगर समय की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना यहाँ पे। अगर समय मान लो t बराबर जीरो होता है तब मान लो अभिकारक कितना होता है, तब अभिकारक मान लो होता है a। ध्यान से समझना, यही सब ये आगे डेरिवेशन होगा। मान लेते हैं कि समय जब t बराबर जीरो होता है, मतलब t बराबर जीरो का ये मतलब है जब समय जीरो हो, मतलब जब अभिक्रिया शुरू ही ना हुई हो, तब आपका अभिकारक कितना होता है, a होता है और उत्पाद कितना होता है, जीरो। और जब अगर मान लो समय t बराबर t हो जाता है तब मान लो अभिकारक जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, ठीक है, जब समय t बराबर t होता है तब मान लो अभिकारक कितना हो जाता है, a माइनस एक्स, और तब उत्पाद कितना हो जाता है, a हो जाता है। ध्यान से समझना, यही पे मेन समझने की बात है। ये जो हम लिख रहे हैं जीरो a a a माइनस एक्स, ये सांद्रता लिख रहे हैं, और ये जो समय लिख रहे हैं t बराबर जीरो t बराबर t। देखो कोई भी अभिक्रिया होती जब t बराबर जीरो का ये मतलब है कि वो अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई। तो मान लो जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती, जब t बराबर समय बराबर जीरो होता है, तो आपके पास क्या होता है, केवल अभिकारक। और जब अभिक्रिया शुरू हो जाती तब अभिकारक से बनता उत्पाद, उत्पाद तब बनता है जब अभिक्रिया शुरू होती है। तो जब समय जीरो होगा तब केवल अभिकारक होगा, उत्पाद नहीं होगा। इसलिए यहां पे t बराबर जब जीरो है केवल अभिकारक की सांद्रता a है, उत्पाद की सांद्रता जीरो इसीलिए है क्योंकि जब समय बराबर जीरो है तो अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, केवल अभी आपके पास अभिकारक है। जब अभिक्रिया शुरू हो जाएगी तब जाके उत्पाद का निर्माण होगा। इसलिए t बराबर जीरो पे अभिकारक की सांद्रता a हमने लिखी और उत्पाद की सांद्रता जीरो लिखी। जीरो इसीलिए लिखा क्योंकि t बराबर जीरो का मतलब है अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, केवल अभिकारक ही आपके पास जिसकी सांद्रता a है और उत्पाद की कितनी है, जीरो। अब इसके बाद हमने माना जब अभिक्रिया शुरू हो गई t बराबर t समय पे, t समय पे जब अभिक्रिया शुरू हुई तब उत्पाद भी आ जाएगा। तब मान लेते हैं कि अभिकारक की सांद्रता जो है a माइनस एक्स है और उत्पाद की जो सांद्रता है वो कितनी है, a है। ठीक है, अब हम इसी से लेके आपका चलेंगे, इसी से हम लेके आपका चलेंगे। ठीक है, जब अभिक्रिया शुरू होती है तब आपको पता है dx अपॉन dt क्या होता है, k इंटू a होता है। a क्या है, अभिकारक की सांद्रता। और कब, जब अभिक्रिया शुरू हुई है। तो यहां से जब अभिक्रिया शुरू हुई तब अभिकारक की सांद्रता कितनी, a माइनस एक्स। तब हम यहां पर से a माइनस एक्स लेके चलेंगे। अब ध्यान से समझना हम क्या करने वाले हैं। हम यहां पे देखो a जो था इसे समीकरण एक मान लेना, ये जो a था यहां पे, ये a था अभिकारक की सांद्रता, इसलिए यहां पे t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता कितनी हो रही, a माइनस एक्स। इसलिए अब हम यहां पे a की जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स। यहां पे हम a की जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स लिख सकते हैं। लिख देना, चूंकि a बराबर a माइनस एक्स, मतलब ये भी सांता और ये भी आपकी सांता हो जाएगी। तब यहाँ से हम लोग लिख देंगे dx अपॉन dt बराबर k a माइनस एक्स। यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे आपको समझना है। ठीक है, यही चीज़ समझने के आगे का आप हल कर लोगे। बस इतना समझ जाओ कि जब t बराबर जीरो होता है तब अभिकारक की सांता a, उत्पाद की सांता जीरो। जब t समय हो जाता है तब a माइनस एक्स हो जाती है, अभिकारक की सांता उत्पाद हो जाता है a। तब यहाँ से लिख सकते हो dx अपॉन dt बराबर k इंटू इसकी सांता a माइनस एक्स। अब इसके आगे हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो a माइनस एक्स है हम इसे नीचे ले लेंगे तो dx अपॉन में a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और उधर चला जाएगा, k पहले से dt उधर चला जाएगा तो k इंटू dt हो जाएगा। इसे मान लेना समीकरण नंबर दो। अब क्या करना है इसके बाद, अब आपको समाकलन कर देना है, लिखना है समाकलन करने पर। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, अब इसका समाकलन कर देंगे। जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तब क्या होगा, देखो यहाँ से आएगा समाकलन dx अपॉन में a माइनस एक्स और उधर जाएगा समाकलन k इंटू dt। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स लिखते हैं और बराबर में k उधर बाहर ले लो, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बचता है, dt बचता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचता है, dt बचता है। देख सकते हो समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर k बाहर आ गया, समाकलन dt। अब बात ये आती है कि हम इसे हल कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए आपको समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेना चाहे तो साइड पे यहाँ पे लिख देते हैं कि चूंकि समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स जब होता है, जब समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, log x, log बेस में e इंटू एक्स, ये चीज़ लिखते हैं। ध्यान से समझो, जब समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है तब हम उसे लिखते हैं log बेस में e इंटू एक्स। और यहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये समाकलन dx अपॉन में a माइनस एक्स, मतलब इसका यही मतलब है, dx अपॉन में a माइनस एक्स का यही मतलब है 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये यही चीज तो है, a माइनस एक्स को अलग कर लो तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो जैसे 1 अपॉन x dx का आता है log बेस में e इंटू एक्स, वैसे ही 1 अपॉन a माइनस एक्स dx का आएगा log बेस में e, x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स। देखो ये समाकलन के सूत्र हैं, मैथ वालों को तो अच्छे से पता चल रहा है, बायो वाले हो तो ध्यान समझ लो। समाकलन वन अपॉन एक्स डी एक्स को लिखते हैं लॉग, यहाँ पे ई होता है एक्स होता है, ठीक है। और जब समाकलन एक बटा ए माइनस एक्स डी एक्स होता है तो उसे लिखते हैं लॉग बेस में ई, जैसे एक्स लिखा था वैसे एक्स की जगह ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स लिख देंगे। बस यहाँ पे फर्क ये आएगा, यहाँ पे देखो वहाँ पे x की जगह कुछ चिन्ह नहीं लगा था तो प्लस का चिन्ह माना था इसलिए प्लस का आया, यहाँ पे x के पास कैसा चिन्ह है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, माइनस का लॉग बेस में ई ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, माइनस का लॉग यहाँ पे बेस में ई और ए माइनस एक्स, ये इसका समाकलन आएगा, ठीक है। समझ लो कैसे किया, यहाँ पे हमने लिख दिया जैसे वन अपॉन एक्स का लॉग बेस में ई इंटू एक्स होता है, वैसे वन अपॉन ए माइनस एक्स का होता है लॉग बेस में ई ए माइनस एक्स और माइनस का, ठीक है। बराबर के है यहाँ पे इंटू समाकलन डी टी, हमने जैसे बताया था जब समाकलन डी एक्स होता है तो उसकी जगह एक्स लिख देते हैं, समाकलन डी टी होता है तो उसकी जगह टी लिख देते हैं। अब इसके पहले ही शून्य कोटि में बात की थी, तो वैसे ही यहाँ पे समाकलन डी टी है तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। और जब पूरा समाकलन हो जाएगा तब एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा प्लस का सी, ठीक है। ये इसका समाकलन हो गया, इसकी जगह ये लिख दिया गया माइनस लॉग बेस में ए माइनस एक्स, के ये आया समाकलन डी टी की जगह टी, और प्लस का सी क्यों आया, जब पूरा समाकलन हो जाएगा तब प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पर से अगर हम इसे देखो, अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी, इसे मान लेना समीकरण नंबर तीन। देखो ये इसकी जगह आया समाकलन करने पे, के ये रहा, इसकी जगह पे टी आया प्लस का सी। अब यहाँ पे जैसे उसमें किया था एक्स बराबर जीरो टी बराबर जीरो, वैसे यहाँ पे भी करते हैं, यदि एक्स बराबर जीरो तथा टी बराबर जीरो, जब एक्स बर यदि एक्स बराबर जीरो तथा टी बराबर जीरो हो तब क्या होगा, जब मतलब एक्स की जगह भी जीरो हो जाए ए की जगह, सॉरी एक्स की जगह भी जीरो हो जाए और टी की जगह भी जीरो हो जाए, तब क्या होगा, तब देखो तब यहाँ पर से क्या होगा, माइनस का लॉग बेस में ई ए माइनस एक्स बराबर के इन एक्स की जगह हमें क्या रखना है जीरो, इस एक्स की जगह हमें जीरो रखना है जैसे उसमें रखा था शून्य कोटि पे, वैसे ही के इंटू टी की जगह क्या रखना है जीरो रखना है प्लस का सी, यहाँ से सी का मान निकालना है, माइनस का लॉग बेस में ई और ए माइनस जीरो ए आ जाएगा सीधा सीधा, और वहाँ पे के इंटू जीरो जीरो आ जाएगा प्लस का सी, यहाँ से सी की वैल्यू निकालोगे माइनस का लॉग बेस में ई, यहाँ पे ए ये आ गई सी की वैल्यू, ये क्या आ गई सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने आसानी से निकाला, देखो ए माइनस एक्स की जगह जीरो टी की जगह जीरो, तो यहाँ से लॉग बेस में ई ए आ गया, के इंटू जीरो जीरो हो गया प्लस का सी, सी का मान माइनस लॉग बेस में ई इंटू ए। अब इसे क्या करते हैं, इस सी के मान को हम लोग समीकरण तीन में रख देते हैं, इस वाले समीकरण पे लिखते हैं सी का मान समीकरण तीन में रखने पर, सी का मान समीकरण तीन में रखने पर ठीक है। सी का मान हम लोग समीकरण तीन में रखेंगे तब क्या होगा, देखना यहाँ पर से माइनस का जितनी वैल्यू है रखो, लॉग बेस में ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी, और सी की जगह प्लस का सी था, सी की वैल्यू आई है माइनस लॉग बेस में ई इंटू ए, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू है इसलिए माइनस लिख लेना है, माइनस लॉग बेस में ई इंटू ए, ठीक है। ये वैल्यू लिख दिया, देख सकते हो सिंपल कुछ नहीं किया, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे ये जो निकाली है इसी को यहाँ पे रखा लॉग बेस में ई इंटू ए इसकी जगह, ठीक है। आप देखो ये वैल्यू इधर माइनस की, अगर इधर इसे इधर ले ले तो आ जाएगी प्लस की, तो ये माइनस की वैल्यू इधर ले लो तो लॉग बेस में ई इंटू ए इस टाइप से आ जाएगा, और ये वाला माइनस का लॉग बेस में ई ए माइनस एक्स हो जाएगा, और उधर हो जाएगा के इंटू टी, उधर क्या आ जाएगा k इंटू टी। देख लो क्या किया हमने, ये लॉग बेस में e जो माइनस का उधर था उसे इस साइड ले लिया तो प्लस का हो गया, यहाँ पे माइनस लॉग बेस में e a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू टी। अब इसे आगे हल करना है हमें, अब इसे हमें आगे हल करना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो k इंटू टी बराबर लॉग बेस में e a माइनस लॉग बेस में e ए माइनस एक्स, ऐसे लिख दिया, मतलब जो इधर को लिखा था उसको इधर को लिख दिया, के इंटू टी ये आ गया, ये वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा बचा, डेरिवेशन आपका कंप्लीट है, बस आप लोग इतना समझ लो तो हम, क्योंकि अब जगह तो बोर्ड पे बची नहीं, अब हमें इरेज करना होगा इधर वाला तब हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो व्यंजक एक बार पूरा पहले फिर से समझ लो क्या क्या हुआ है, पहले इतना समझ में आया था ना डी एक्स अपॉन डी टी समान पाती ए की पावर वाई, वाई की जगह वन इसलिए हुआ क्योंकि प्रथम कोटि अब क्या थी, फिर यहाँ तक सही आए जैसे शून्य कोटि पे आए थे, यहाँ पे बस समझना था अभिक्रिया पे अभिकारक उत्पाद और यहाँ पे संता, यहाँ पे समय लिखा गया, जब टाइम जीरो था अभिकारक की संता ए मानी और उत्पाद की संता जीरो, जब टाइम टी हुआ तो अभिकारक की संता ए माइनस एक्स इसकी ए हो गई। अब इसके बाद हमने निकाला लिख दिया, चूंकि इस ए की जगह हम क्या कर देंगे ए माइनस एक्स, इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे ए की जगह ए माइनस एक्स किया, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स, ये ए माइनस एक्स इसके नीचे रख लिया तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी टी उधर भेज दिया के इंटू डी टी, समीकरण दो, समाकलन किया इतना आया आपका समाकलन पे,
अब इसकी जगह आपने कहा इसकी जगह आप ये लिख सकते हो, तो इसकी जगह ये लिखा, समाकलन डी टी की जगह टी हो जाएगा प्लस का सी। सी क्यों आया? क्योंकि जब समाकलन पूरा कर लेते हैं तो प्लस का सी जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ सी का मान निकालने के लिए एक्स बराबर जीरो और टी बराबर जीरो रखा, यहाँ से सी का मान ये आया। अब इस सी का मान समीकरण तीन में रखा, ये आपकी वैल्यू आई लॉग बेस में ई ए माइनस एक्स के इंटू टी और सी की जगह ये वैल्यू। यहाँ से आपने ये वैल्यू अभी तक निकाल ली है, ये वाली। अब इसके आगे का आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, आपका थोड़ा सा बचा है तो इधर वाला इरेज कर देंगे, तो आप लोग जरा स्क्रीन शॉट कर लो इधर वाले का, क्योंकि इधर वाला इरेज करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो आपने कर लिया होगा, अब इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला इरेज कर दें तो इधर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप जो वैल्यू उधर आई है उसे हम यहाँ पे नोट करें और इधर सॉल्व करते हैं। आप लोग कॉपी पे नीचे ही सॉल्व करते चले जाना, यहाँ जगह नहीं तो क्या किया जाए। k इंटू टी आया है, बराबर में लॉग बेस में e इंटू ए आया है, माइनस लॉग बेस में e a माइनस एक्स आया है। पहले एक बार देख ले आपको नीचे दिख रहा था कि नहीं यार। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा था, हमने सोचा शायद दिख ना रहा हो, दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इतनी वैल्यू आई थी। आप देखो लॉग का एक सूत्र होता है, आपको सूत्र याद रख लेना है, लॉग का सूत्र, लॉग बेस में ई एम माइनस लॉग बेस में ई एन जब होता है तो उसकी जगह आप लिख सकते हो लॉग एम बटा एन, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो लॉग एम बटे में एन। इस टाइप से एक लॉग का सूत्र होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन का सूत्र होता है लॉग एम बटा एन। जैसे एम की जगह यहाँ पे क्या है ए है, एन की जगह क्या है ए माइनस एक्स। ठीक है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटा एन। तो इसकी जगह भी आप वैसे ही कर सकते हो, यहाँ से आ जाएगा के इंटू टी बराबर लॉग बेस में ई ए माइनस, यहाँ पे देखो ये जो माइनस मतलब लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स, उसी तरह लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटा एन। तो वैसे इसको भी एम बटा एन के फॉर्म में लिखेंगे, इसे एम मान लो इसे एन मान लो, एम की जगह ए है बटे में एन की जगह ए माइनस एक्स, तो इसकी जगह ये आ जाएगा। देखो क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल, ये आपका लॉग बेस में ई इंटू ए था तो इसे मान लो एम इसे मान लो एम, तो जैसे लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है लॉग एम बटा एन, तो वैसे ही लॉग ए बटा ए माइनस एक्स, ये चीज हुआ। ठीक है, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटा एन, एम इसको मानो एन इसको तो एम बटा एन। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ पर से अगर आप क्या करो, यहाँ से आप क्या करो, के को यहीं पर रखो, टी को यहाँ पे गुणा पे उधर भाग पे भेज दो, तो ये टी गुणा पे उधर चला है भाग पे, तो एक बटा टी लॉग बेस में ई ए बटा ए माइनस एक्स, ये चीज हो जाएगा। ये जो t गुणे पे था उधर चला गया भाग पे, तो k बराबर एक बटा टी हो गया। ये जो t था उधर भाग पे गया तो एक बटा टी हो गया, और उधर लॉग बेस में ही a बटा ए माइनस एक्स। इतने तक किसी को दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और आपको लॉग का फॉर्मूला याद कर लेना है, जब लॉग बेस में e होता है और यहाँ पे x होता है तो आप उसे अगर लॉग बेस में 10 में बदलना चाहो तो आप उसे ऐसे बदल सकते हो, 2.303 का गुणा करना पड़ता है, लॉग बेस में 10 x होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे बेस में ई को बेस में 10 में बदलना हो तो 2.303 का गुणा होता है, ध्यान से समझो। अगर यहाँ पे बेस में ई है लॉग के यहाँ नीचे और उसे लॉग बेस में 10 में बदलना होता है तो उसके लिए 2.303 का गुणा किया जाता है। तो ये जो वैल्यू लॉग बेस में ई में है हम इसे लॉग बेस में 10 में बदलने जा रहे हैं और उसके लिए हम 2.303 का यहाँ पे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के बराबर एक बटा टी इंटू, इसे जब लॉग बेस में 10 में बदलेंगे तो किसका गुणा होगा 2.303 का, और हो क्या जाएगा लॉग बेस में 10, और यहाँ पे जैसे x था यहाँ पे a बटा a माइनस एक्स है तो यहाँ पे a बटा a माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर आप इसे सही करके लिख लो तो k बराबर 2.303 बटा t लॉग बेस में 10 a बटा a माइनस एक्स, यही आपका क्या है, यही आपके पास क्या है, यही आपके पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है, यही आपके पास प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है, लिख देना यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। ठीक है, इस टाइप से निकल के आता है। इसका थोड़ा डेरिवेशन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आ पाएगा। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने भी लगेगा। बस यहाँ पे मेन आपको बायो वालों को थोड़ा समाकलन पे प्रॉब्लम हो सकती है या लॉग वाले फॉर्मूले पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो मैथ वाले उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, समाकलन उनको करना आता है, उनको आपका लॉग वाले फॉर्मूले भी पता है, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटा एन होता है। ये वाला फॉर्मूला जब लॉग बेस में ई इंटू एक्स होता है तो उसे लॉग बेस में 10 में बदलने के लिए 2.303 का गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल बेस में को लॉग बेस में 10 बदला, इसे 2.303 का गुणा हुआ। ठीक है, तब जाके आपका ये आया। पांच नंबर का पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा हो गया, फिर इसका डेरिवेशन हो गया, मात्रक इसका भी बता दे अगर इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, इसके मात्रक के लिए देखो सिंपल, यहां पे जैसे आपके पास आया था
ये वाला क्या चीज़ आया था, dx अपॉन dt बराबर a की पावर 1। ये चीज़ आपने देखा था, ये चीज़ a की पावर 1 या a डायरेक्ट मान सकते हो, ये चीज़ आपने देखा था। dx अपॉन dt आपके पास क्या है, dx अपॉन dt आपके पास क्या है, क्या है dx अपॉन dt, सपोनिटी वेग है ना अभिक्रिया का। तो यहां पर से अगर आपकी बात सॉरी यहां पे के ए की पावर वन आया था ना, के ए की पावर वन ये चीज आया था। अगर यहां से हम लोग के का मान निकाले तो यहां पे ये जो आपका ए है, ये ए इधर गुड़े पे है, उधर चला जाएगा भाग पे, तो के बराबर हो जाएगा डीएक्स अपॉन डी टी इंटू एक बटा ए। यही चीज़ तो हो जाएगा, ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं। इधर के क्या है, यहाँ पे गुड़े पे है, यहाँ पे के क्या चीज़ है, गुड़े पे है, क्योंकि dx अपॉन dt बराबर के इंटू ए आया था। अगर इस ए को इधर भेज दोगे तो ए जो गुड़े पे इधर आ जाएगा भाग पे, तो एक बटा ए हो जाएगा। ठीक है, आप dx अपॉन dt क्या है, एक प्रकार का वेग है, तो वेग का मात्रक आपको पता होना चाहिए। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक, ठीक है, वेग का मात्रक क्या होता है, देखो वेग बराबर होता है अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता बटा समय, तो इसका मात्रक होता है सांद्रता बटा समय। ठीक है, हमने अभी पढ़ाया ना अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो इसका मात्रक हो जाएगा सांद्रता बटा समय इंटू इंटू गुणे पे क्या है, एक बटे में ए, ए क्या है अभिकारक की सांद्रता, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सांद्रता ही तो हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सांद्रता ही तो हो जाएगा। देखो सिंपल, पहले ये फॉर्मूला एक बार फिर सही से लिख दे जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। dx अपॉन dt बराबर था के इंटू ए, ये चीज था। इसके बाद हमने कर क्या दिया, इस आपका ये जो ए था, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ था, ये कोष्टक पे लिखा हुआ था क्योंकि सांद्रता थी, इस ए को हमने क्या किया, जो गुणे पे था इसको नीचे किया इधर साइड, तो भाग पे आ गया एक बटा ए। अब ए भी अभिकारक की सांद्रता, तो इसका भी सांद्रता हो गया। dx अपॉन dt अभिक्रिया का वेग है, तो वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो सांद्रता बटा समय उसको लिख दिया, ए को लिख दिया सांद्रता। अब सांद्रता यहाँ पे भी है, सांद्रता यहाँ पे भी, सांद्रता से सांद्रता कट जाएगी, तो यहाँ पर से आपका जो के बराबर आ जाएगा एक बटा समय आ जाएगा, एक बटा समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, तो जो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के का मात्रक हो जाएगा वो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि के लिए निकला था मूल मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स शून्य कोटि के लिए, लेकिन जो आपका प्रथम कोटि के लिए आता है वो आता है सेकंड इनवर्स। कैसे निकाला जाता है वो आप लोग देख सकते हो। देखो इनको हल्के में लोगे ना तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये मात्रक पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए कह रहा समझो। तो यहाँ से dx अपॉन dt बराबर k इंटू t, ये a लिखा हुआ है यार, ठीक है, जल्दी जल्दी में थोड़ा बन रहा है, a लिखा हुआ है, ठीक है, जब a नीचे आया तो ये इस टाइप से हो गया k बराबर dx अपॉन dt इंटू एक बटा a। यहाँ से dx अपॉन dt की जगह सांता बटा समय, क्योंकि अभिकारक की सांता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो सांता बटा समय, a भी सांता है क्योंकि अभिकारक की सांता ही तो है, तो सांता 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 कट गया बटा एक बटा समय, एक बटा समय, समय का मात्रक सेकेंड, तो वेग स्थिरांक के का मात्रक सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर से आप लिख सकते हो, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, देख सकते हो यार, बहुत वीडियो भी आपका शायद लॉन्ग हो चुका है अब, ठीक है, आपका कम से कम एक घंटे का वीडियो हमारे हिसाब से बन चुका होगा। ठीक है, मेहनत पूरी कर रहे हैं यार कि आपकी तैयारी मस्त हो सके, आप लोग मस्त संभल लो। ठीक है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया भी हो गई, किसे कहते हैं, वेग स्थिरांक का व्यंजक हो गया, इसका मात्रक इस टाइप से, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ठीक है, आप बात करते हैं अभिक्रिया का वो क्या, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल पूछा जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, उसका भी फॉर्मूला देखते रहते हैं। ठीक है, और ये वाला सूत्र जरूर याद कर लेना, इससे न्यूमेरिकल बहुत फंसेंगे। अब अगला जो वीडियो आएगा ना कल, वो आपका आएगा वन शॉट का न्यूमेरिकल का, रासायनिक बलगतिकी का न्यूमेरिकल वन शॉट। ठीक है, तो उसका वीडियो भी आएगा, तो जो लोग नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी भी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट है 12th केमिस्ट्री वन शॉट की, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। ठीक है, तो इसको नोट करो सब लोग। तो आप बात करते भैया अगला टॉपिक, अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का क्या सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको भी बात कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे बात, प्रश्न हमारा, अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं, तो परिभाषा समझना, अर्धायुकाल वह समय होता है, अर्धायुकाल एक प्रकार का टाइम होता है, समय होता है, तो अर्धायुकाल वह समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है।
अर्धायु काल जो होता है एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी सांद्रता का आधा हो जाता है, अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है। मान लो कोई पदार्थ है उसकी प्रारंभिक सांद्रता अभी ए है, तो आपका अर्धायु काल एक ऐसा समय होता है जिसमें वो उसकी सांद्रता अगर ए है तो वो आधी रह जाती है, ए बाई टू रह जाती है, तो उस समय को, उस टाइम को अर्धायु काल बोलते हैं। ठीक है, मतलब अर्धायु काल एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता, मान लो अगर किसी की प्रारंभिक सांद्रता ए है तो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, मतलब ए बाई टू रह जाता है, तो वह समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। और इसे टी वन बाई टू से प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ बोल सकते हो या टी वन बाई टू बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे, टी हाफ बोल सकते हो या टी वन बाई टू बोल सकते हो। तो टी वन बाई टू या अर्धायु काल एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। अगर उसकी प्रारंभिक सांद्रता ए हो तो वो ए का क्या रह जाता है, ए बाई टू रह जाता है, तो उस समय को क्या बोलते हैं, अर्धायु काल बोलते हैं अभिक्रिया का, और इसे टी वन बाई टू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है। अब इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको अर्धायु काल का सूत्र पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाला उसका क्या आया, k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस में 10 a अपॉन a माइनस x। ये क्या आया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र जो अभी निकाला था। अब अगर यहां से हम t को उधर कर ले और k को नीचे कर ले, तो t उधर जाएगा तो t ये आ गया, k नीचे आ गया, तो t बराबर 2.303 बटा k log बेस में 10 a अपॉन a माइनस x। अब अर्धायु काल के लिए क्या हो जाएगा, t जो समय है इसकी जगह हो जाएगा t 1 by 2, क्योंकि अर्धायु काल होगा तो t की जगह क्या हो जाएगा, t 1 by 2। और x जो है, x क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, तो x देखो यहाँ पे a जो होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होता है, और x जो होता है t समय पश्चात की सांद्रता होता है, ये भी याद रखना। a जो है, a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और x कब आया था, जब t समय पश्चात की सांद्रता हुई। तो ये कभी कोई पूछे a क्या है, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, x है t समय पश्चात की अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ से x की जगह क्या हो जाएगा, a बाई टू, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जा रही है, प्रारंभिक सांद्रता a ही रहेगी, लेकिन जो आपकी अभिकारक की दूसरी सांद्रता आएगी x, वो कितनी रह जाएगी, आधी, मतलब a बाई टू। तो यहाँ से t की जगह t 1 बाई टू और x की जगह a बाई टू, तो यहाँ पर से हम t की जगह t 1 बाई टू रखेंगे, बराबर 2.303 अपॉन k log बेस में 10 a अपॉन में a माइनस x है, तो a की जगह a आया, माइनस लगा, x की जगह क्या आ जाएगा, a बाई टू, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, a बाई टू रख देंगे। आगे हल करेंगे तो t 1 बाई टू बराबर 2.303 अपॉन k log बेस में 10 a अपॉन में a माइनस a बाई a माइनस a बाई टू है, इसे हल करोगे तो a बाई टू आएगा। कैसे हल करना है, एलसीएम ले लेना, ठीक है, दो एलसीएम आएगा, दो ए माइनस ए बटा दो, मतलब ए बाई टू, इसका एलसीएम लेने पे आएगा। अब इसे जब हम आगे हल करेंगे तो टी वन बाई टू बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, यहाँ पे देखोगे जब a बाई टू नीचे ये ऊपर चला जाएगा तो 2 बाई ए हो जाएगा, तो a इंटू 2 बाई ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो टी वन बाई टू बराबर 2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, और यहाँ क्या बचा, 2। अब आपको एक वैल्यू पता होना चाहिए लॉग 2 की, लॉग 2 का मान याद रखना, लॉग 2 का मान जो होता है वो होता है 0.3010, लॉग 2 का कितना मान होता है 0.3010, तो यहाँ से हो जाएगा टी वन बाई टू बराबर 2.303 बटा के इंटू 0.3010, ये log 2 का मान होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि जो इसके न्यूमेरिकल होंगे उन पे भी काम आएगा। आप जब आप 2.303 का 0.3010 से गुणा कर दोगे तो वैल्यू जो आ गई, वैल्यू जो आएगी निकल के, वो आएगी 0.693। तब अर्धायु काल का जो सूत्र आएगा टी वन बाई टू बराबर 0.693 अपॉन के, या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी लगेंगे, तो इस सूत्र को आप लोग तैयार कर लेना, टी वन बाई टू बराबर 0.693 अपॉन के, या प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पेपर में, अगर अर्धायु काल की परिभाषा पूछे तो ये परिभाषा, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल पूछे तो इस टाइप से आप डेरिवेशन करके इसका सूत्र निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट है। अब क्या पढ़ लेते हैं, केवल आरहेनियस समीकरण, आरहेनियस समीकरण पढ़ लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मस्त तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब केवल बचा आरहेनियस समीकरण। तो अब हम आपको आरहेनियस समीकरण समझा देते हैं, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर पूछे आते हैं सारे हमने इस वीडियो पे करा दिए, इन सबको यार प्लीज तैयार कर लेना, आपकी मस्त तैयारी हो जाएगी, ये जान लो। ठीक है, 12th केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है, 12th केमिस्ट्री 1 शॉर्ट की, वहां से जाके आप अगला वीडियो भी अभी आने वाला है उसको भी देखना जरूर। ठीक है, शायद आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो बनने के बहुत दिन बाद, तो वहां पे 1 शॉर्ट वाला, न्यूमेरिकल वाला भी आ चुका होगा, आगे के चैप्टर के वीडियो भी वही प्लेलिस्ट पे आएंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। तो अब शुरू करते हैं कि हम लोग आरहेनियस समीकरण के बारे में, तो इसको नोट कर लो, फिर देखें आरहेनियस समीकरण।
तो भैया अब बात कर लेते हैं आरेनियस समीकरण की, कि आरेनियस समीकरण क्या होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर पे पूछा जा सकता है, तो इसे समझते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जान लो, जो आरेनियस समीकरण है, आरेनियस नामक साइंटिस्ट, आरेनियस नामक वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो सिंपल देखो यहाँ पे हमने कर दिया, इसको समझा देते हैं पूरा आपको, इसी टाइप से आपको लिखना है। आरेनियस समीकरण लिखिए, क्या होता है आरेनियस समीकरण, ये क्वेश्चन पूछा था पेपर में। तो आपको सबसे पहले लिखना है, आरेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, आरेनियस नामक साइंटिस्ट ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं, जो समांगी गैसीय अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें ताप परिवर्तन के कारण वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया। मतलब जो आरेनियस नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं, कहा गया जो समांगी गैसीय अभिक्रियाएं होती है उसमें ताप परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण जो वेग स्थिरांक में परिवर्तन होता है, उसको एक समीकरण के द्वारा दर्शाया, जिसे आरेनियस समीकरण नाम दिया गया। ठीक है, आरेनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाओं में ताप परिवर्तन के कारण जो वेग स्थिरांक के में परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण जो वेग स्थिरांक के में परिवर्तन होता है, उसको अपने एक समीकरण से दर्शाया, जिसे नाम दिया गया आरेनियस समीकरण। और वो समीकरण है ये, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। इस टाइप से समीकरण है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी। ठीक है, ये वाला जो स्मॉल ई है, स्मॉल ई जैसे लॉग में जो बेस में ई होता है, यही है स्मॉल ई। ठीक है, ये जो लॉग में नीचे ई लिखा होता है, वही ई है स्मॉल वाला। और बात करें यहाँ पे के क्या है, के है वेग स्थिरांक। ए की बात करें, ए क्या है, ए है आरेनियस स्थिरांक। ई को आपको बताया लॉग में जो बेस में ही होता है, वही है ई। और यहाँ पे ईए की बात करें, तो ईए को बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आर की बात करें, आर होता है गैस नीतांक, और टी होता है परम ताप। टी को क्या बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं। तो ये ही आरेनियस समीकरण है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ए बटा आर टी, जहाँ के वेग स्थिरांक, ए आरेनियस स्थिरांक, और ये ई ए जो होता है इसे संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, आर गैस नीतांक होता है, टी परम ताप होता है। ठीक है, तो यही समीकरण उन्होंने दिया आपका, जो मतलब वेग स्थिरांक के मान में परिवर्तन आया, तो उसे किससे दर्शाया, इस आरेनियस समीकरण से उन्होंने दर्शाया। तो सबसे पहले इस टाइप से आपको लिख के ये फॉर्मूला लिया है। अब इसका कभी कभी लघुगणकीय रूप पूछ लिया जाता है, जो लॉग वाला इसका रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लघुगणकीय रूप भी करके दिखाया। अभी आप लोग इस ग्राफ को ध्यान ना देना, पहले इधर देखो। लघुगणकीय रूप करने के लिए सबसे पहले ये आपको समीकरण लिख लेना है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ए बटा आर टी। अब आपको दोनों पक्षों में कर लेना है लॉग, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब आप लॉग लोगे तो इधर भी लॉग लग जाएगा, इधर भी लॉग लग जाएगा। इधर लॉग लगेगा तो लॉग बेस में ई इंटू के, और इधर लॉग लगेगा तो लॉग बेस में ई, और आगे क्या है, ए ई की पावर माइनस ये बटा आर टी। हुआ क्या, दोनों साइड लॉग ले लिया हमने। अब आपको एक लॉग का फॉर्मूला याद रखना है, लॉग एम इंटू एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस लॉग एन। ये फॉर्मूला कहां लगेगा, यहां, ये जो लॉग बेस में ई इंटू ए है, और यहां पे आगे है ई की पावर माइनस ये बटा आर टी। इसमें आपको क्या करना है, ये जो a है इस a को m मान लेना है, और ये जो e की पावर माइनस ये बटा rt पूरा है इसे क्या मान लेना है, n मान लेना है। तो यहाँ पर से log m प्लस log n हो जाएगा, ये देख सकते हो, m की जगह a है, n की जगह e की पावर माइनस ये बटा rt है। तो log बेस में e इंटू k बराबर log बेस में e इंटू a प्लस log बेस में e पहले से है, और ये e की पावर माइनस ये बटा rt, ये आ गया। ठीक है, फॉर्मूला लग गया log m, m की जगह a प्लस log n, n की जगह ये। ठीक है, तो ये आपका log एम प्लस एन हो गया, लॉग एम इंटू एन इक्वल। ठीक है, ये चीज आपका सिंपल हुआ। अब इसके बाद ये कैसे सॉल्व होगा, देखो इतना आ जाने के बाद, इतना आ जाने के बाद देखो यहाँ पे अब एक फॉर्मूला और होता है लॉग एम की पावर एन। जैसे यहाँ पे एम की जगह ई माइनस ई ए बटा आर टी, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर बात करें तो एम की जगह है ई ए, और आर टी जो है ये एन की जगह। देखो ये फार्मूला होता है लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम, ये एक सूत्र होता है लॉग में। यहाँ पे अगर बात करें एम की पावर एन की जगह क्या हो जाएगा, देखो है ई की पावर माइनस ये बटा आर टी, क्या है यहाँ पे ई की पावर माइनस ये बटा आर टी, इस टाइप से ई की पावर माइनस ई ए बटा आर टी, यही चीज़ तो है। तो ये जो ई है ये एम का कार्य करेगा, और जो इसकी पावर है वो एन का कार्य करेगी, माइनस ई ए बटा आर टी एन का कार्य करेगा, और ये जो ई है ये एम का कार्य करेगा। तब फार्मूला लगेगा लॉग एम की पावर एन बराबर एन लॉग एम का। तो यहाँ एन ये है,
इतना पूरा और m ये पूरा है, ठीक है। तो n log m हो जाएगा इसकी जगह, तो यहाँ से हम लिखेंगे log बेस में e इंटू k बराबर log बेस में e इंटू a, यहाँ पे प्लस ये रहा आपका। अब यहाँ पे हमने कहा ये आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो n log m होता है log m की पावर n बराबर n log m, तो n की जगह हो जाएगा माइनस ये बटा rt, और ये आपका log बेस में e और यहाँ पे भी e है, तो इसलिए ये आपका इस टाइप से आ गया। समझ सकते हो कैसे हुआ, बस इसे n मान लो जो ऊपर घात में है और इसे m मान लो, तो m की पावर n को लिख सकते हो n log m, तो n ये हो जाएगा, log m की जगह ये वाला e आ जाएगा, बेस में ही पहले से, बेस में इसमें भी है, बेस में ही इसमें भी है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करने की बात आती है, तो जब भी कभी ऐसे मिल जाए log बेस में भी e हो, यहाँ पे भी e हो, तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, वन। अगर ऐसे मिले या ऐसे मिल जाए, मान लो log यहाँ पे बेस में टेन हो, यहाँ भी टेन हो, इसकी जगह भी आप वन लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे बेस में ही, यहाँ पे भी, तो वन लिख सकते हो, वैसे इसमें भी टेन हो और यहाँ भी टेन हो तो वन लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी जगह हम वन लिख देंगे, तो यहाँ से आएगा log बेस में इंटू के बराबर log बेस में इंटू ए, और यहाँ पे माइनस और प्लस का चिन्ह मिलके हो जाएगा माइनस ई ए बटा आर टी, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, तो ये वन ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर से देखा लॉग बेस में ई इंटू के बराबर लॉग बेस में ई इंटू ए माइनस ई ए बटा आर टी, और इसकी जगह हो गया वन। अब आपको पता है जब हम लोग लॉग बेस में ई को लॉग बेस में टेन में बदलते हैं तो 2.303 का गुणा करते हैं, अभी आपको बताया था प्रथम कोटि वाले पे, तो वैसे हम लॉग बेस में ई को लॉग बेस में टेन में बदलेंगे तो 2.303 का गुणा होगा। तो यहाँ पे इसको भी लॉग बेस में ई को 10 में बदलो तो 2.303 लॉग बेस में 10 और आगे के, इसको भी बदलो तो लॉग यहाँ पे 2.303 लॉग बेस में 10 आगे ए, और आगे क्या हो जाएगा माइनस ए बटा एल टी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो, बस इसे लॉग बेस में ई वाले को 10 में बदला तो 2.303 का यहाँ पे गुणा हुआ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो 2.303 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पे 2.303 से भाग देंगे। तो अगर इस पे भाग दोगे 2.303 से, तो 2.303 से 2.303 कट जाएगा, बचेगा केवल इतना लॉग बेस में 10 इंटू के। यहाँ पे 2.303 से भाग दोगे तो 2.303 से 2.303 कट जाएगा, बचेगा लॉग बेस में 10 इंटू ए। यहाँ पे अगर भाग दोगे तो माइनस ये बटा आर टी है, यहाँ पे 2.303 का भाग आएगा, तो ये आपका इसी टाइप से हो जाएगा 2.303। तो अब यहां से निकल के आया फॉर्मूला लॉग बेस में 10 इंटू के बराबर लॉग बेस में 10 इंटू ए माइनस ई ए बटा आर टी, और 2.303 का भाग दिया था पूरे समीकरण में, इससे यहां पे 2.303 आ गया। अब अगर आप इसे सही से लिखो तो लॉग बेस में 10 इंटू के, ये आपका जो ऐसे लिखा है इसको आपको इधर लिख लेना है। पहले आपको करना क्या है, जब ये के वाला पद लिखना है, इसके बाद ये जो ई ए बटा यहां पे 2.303 आर है, ये देखो माइनस का ई ए बटा 2.303 आर, इसको ऐसे लिख लो। यहां पे जो टी है इसको अलग निकाल के लिख लो, टी है इसको हमने अलग लिख लिया 1/t, और ये प्लस का लॉग बेस में 10 इंटू ए ये आ गया। यही आपका लघुगणकीय रूप है आरेनियस समीकरण का, ये आरेनियस समीकरण का एक लॉग वाला रूप है, लघुगणकीय रूप है, लॉग बेस में 10 इंटू के बराबर ये माइनस का ई ए बटा 2.303 आर, और ये जो टी है तो 1/t, और प्लस का लॉग बेस में 10 इंटू ए, ठीक है। यही आपका आरेनियस समीकरण का लघुगणकीय रूप है। और ये जो समीकरण आता है ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जो मैथ में आपने पढ़ा है आपका गुणनखंड वाला, ठीक है, उसका होता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का समीकरण होता है। और इसके लिए अगर ग्राफ खींचना चाहो तो ग्राफ इस तरह से खींच भी सकते हो, ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ये इतने तक ही आपका पूछा जा सकता है लघुगणकीय रूप तक। अगर ग्राफ पूछा जाए तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से यहाँ पे ग्राफ इस टाइप से बन जाता है, आगे जगह नहीं थी हमने इधर बना दिया है। देखो सबसे पहले इस टाइप से आपको बना लेना है, ये वाई एच हो जाएगा, ये एक्स एच हो जाएगा, ठीक है, और इसकी ढाल ये हो जाएगी। तो यहाँ पे ढाल जो इसकी आएगी, देखो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, एम होती है यहाँ पे ढाल, तो एम की जगह ये है माइनस का ई ए बटा 2.303 आर, तो इसकी जगह हो जाएगा माइनस का ई ए बटा 2.303 आर। अब इसके बाद आपका वाई एच पे कौन है, वाई एच पे लॉग बेस में 10 इंटू के है, तो यहाँ पे वाई एच पे क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 10 इंटू के, ये देख सकते हो वाई एच वाई इधर है, तो ये आपका वाई की जगह हो जाएगा। और x अक्ष पे क्या है, यहां पे m के बाद x, m इंटू x, x अक्ष पे है 1/t, तो यहां पे हो जाएगा 1/t। और ये जो log बेस में 10 इंटू a है, ये अंताखंड हो जाएगा, तो अंताखंड हो जाएगा कितना, log बेस में 10 इंटू a, इस टाइप से ग्राफ बन जाता है, ठीक है। देख सकते हो कुछ नहीं यार, y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दो, y की जगह ये है, देखो y y, m की जगह ये है,
x की जगह 1/t है और c की जगह ये कांस्टेंट, ठीक है। तो y बराबर mx plus c से तुलना करो, y h पे log base में 10 into k आ जाएगा, x h पे 1/t आ जाएगा, और यहाँ पे ढाल जो इसकी होगी ये ढाल होती है, ये माइनस का ea बटा 2.30 थी, r आ जाएगा, अंतःखंड log base में 10 into a, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बन सकता है, अगर ग्राफ बनाने को पूछ ले RNA समीकरण के लिए सूत्र का ग्राफ बनाओ तो ग्राफ भी आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो ये 5 नंबर का पूछा था RNA समीकरण, ठीक है। इसको भी यार आपको प्रैक्टिस से ही करना होगा, सिंपल सबसे पहले ये लिखना है ये समीकरण, इसमें क्या चीज़ क्या है, लघुगणकीय रूप कैसे निकला दोनों पक्षों में लॉग लेने पे, ये लॉग वाले कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लगाए गए, पहले ये फॉर्मूला लगा, इसके बाद ये फॉर्मूला लगा, फिर लॉग बेस में ई इंटू ई होता है तो 1 होता है, फिर इसको 2.303 में बदला गया, तब जाके आपका लघुगणकीय रूप आया। इतना लिखने के बाद y बराबर mx plus c से तुलना और ये वाला ग्राफ नीचे बना देना, ठीक है। तो ये आपका RNA समीकरण कंप्लीट है। तो आज का ये जो चैप्टर था रासायनिक बलगत की, पूरा चैप्टर अब हम आपका कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। जितने टॉपिक पूछे जाते हैं इस चैप्टर से सारे हमने इस वीडियो पे करा दिए, इसलिए वन शॉट वीडियो लाए थे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको मस्त लगा होगा, एक एक प्रश्न को याद तैयार कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप जो अगला वीडियो उस पर हम बात करेंगे रासायनिक बलगत की चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को वन शॉट पे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो पे, तो सब लोग इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, और सब्सक्राइब भी यार जरूर कर लेना चैनल को।